सनम नहीं तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत निगाहों में सताए तो मैं क्या करूं, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं जी, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, कोई इतना तो आकर बता दे मुझे, कोई इतना तो आकर बता दे मुझे, अरे जब तेरी याद आए तो मैं क्या करूं, कोई इतना तो आकर बता दे मुझे, जब तेरी याद आए तो मैं क्या करूं, कोई इतना तो आकर बता दे मुझे, जब तेरी याद आए तो मैं क्या करूं, कोई इतना तो आकर बता दे मुझे, और जब तेरी याद आए तो मैं क्या करूं, कोई इतना तो आकर, मैंने खाके नशे मन को बोसे दिए, मैंने खाके नशे मन को बोसे दिए, और दिल को ये कह कर के समझा दिया, और दिल को ये कह कर के समझा दिया, आशिया जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, और अब खुदा ही ना चाहे तो और इश्क दोनों में तफरीक है, क्या करूं मेरा दोनों पे ईमान है, क्या करूं मेरा दोनों पे ईमान है, कर खुदा कर खुदा कर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, कर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, अरे ये सनम रूठ जाए तो मैं चाहता हूँ वो मुझको मिले, मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझको मिले, आशियाना जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, और अब खुदा ही न चाहे तो मैं, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा ही न चाहे तो मैं क्या करूँ, जो मेरा तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत।
नहीं मिलती किसी की सूरत, मियां हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत जाने जा, तेरी सूरत जाने जा, तेरी सूरत जाने जा, तेरी सूरत। कल चौथवी की रात थी, शंबर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहां मौजूद थे, हमसे भी वो पूछा किए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, अरे मंसूर था पर्दा तेरा। तेरा तेरी सूरत जाने जा, तेरी सूरत जाने जा, तेरी सूरत जाने जा, तेरी सूरत जाने जा, तेरी सूरत जाने जा। कल मैंने उनको दिया अपना आईना, आईना लेकर भी जालिम आईना, अरे आईना भी इन पर शैदा हो गया, अरे एक दुश्मन और पैदा हो गया। तेरी सूरत जाने जा, तेरी सूरत जाने जा, तेरी सूरत। और मैं ना जाता कभी मैं कदे की तरफ, ले गया इश्क तेरा मुझे खींच कर। मैं ना पीता कभी भी खुदा की कसम, मैं ना पीता कभी भी खुदा की कसम, अरे ये नजर से पिलाए। मैं ना पीता कभी भी खुदा की कसम, ये नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं। ये मैं शराबी शराबी, मैं शराबी शराबी, मैं शराबी शराबी, मैं शराबी शराबी, मैं शराबी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। और ये सुबह सुबह जो जमशेद भाई और नवीद भाई महफिल जमा देते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद फिर दिल करता है कि बंदा तख्त पे चढ़ के जो है ना वो पागल हो जाए, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। क्या करें, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। और ये सलाम जिंदगी का प्यार है कि हमें याद करते हैं। सलाम जिंदगी के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बड़ा ही खूबसूरत महफिल से जाते हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इनको बड़ा इन्जॉय किया और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और सारा शो छोड़ के हम कवालियाँ सुनना शुरू हो गए। बाकी कवाली के अंदर एक अपना मज़ा है। और इन कमिंग डेज हमारा प्लान है एक बकायदा पूरा सेशन करने का अबाउट कवाली, और इंशाल्लाह हम उसकी कोशिशों में लगे हुए। लेकिन आज का जो शो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पुरानी फिल्म्स में हम लोग देखते थे कि वो जो दो दोस्त होते थे वो बचपने में अपने बच्चों का रिश्ता तय कर देते थे, और बड़े होते होते वो बच्चे जो हैं उनको पता होता था कि जी हमारी शादी किससे होनी है। और उसमें बड़ी मज़े की लव स्टोरीज़ भी बनी हैं, बड़ी मज़े की कहानियाँ भी बनी हैं, ड्रामे भी बने हैं इस तरह के। लेकिन हकीकत में लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि जी रिश्ते किस तरह से होंगे, शादियां किस तरह से होंगी हमारे बच्चों की। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त आज भी मौजूद हैं जो समधी बन जाते हैं, जो रिश्तेदार बन जाते हैं, और सारी ज़िंदगी उन्होंने साथ में काम किया होता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो फैमिली भी जो है आपस में जोड़ लेते हैं। बहुत सारे घरानों में ये होता है कि दोस्तों का बहुत घर आना जाना होता है, फैमिलीज़ बिल्कुल फैमिलीज़ की तरह होती हैं। तो उन्हीं वक्तों में पता नहीं ये चीज़ कब कोई दुआ ऐसे दिल से होती है जो कि पूरी हो जाती है। वैसे यहाँ कोई यहाँ कुछ ऐसी कोई फैमिलीज़ हैं जिनकी फैमिलीज़ में कोई दोस्तों में जो है वो शादियाँ हुई हों, जो शादीशुदा मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ऐसा कुछ हुआ किसी के दोस्तों में, ख़ानदानों में जो फ्रेंड्स होते हैं आपस में उनकी आपस में कोई शादी हुई हो? या तो सामने सारे कुछ बोल ही नहीं रहे, उनको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, यूँ देख रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कुछ। हाँ बताएं, अगर कोई इस तरह की फैमिली में कोई किसी की मंगनी हुई हो, किसी की शादी हुई हो, जो फ्रेंड्स हो इस तरह से। अपनी खाला की बेटी से की, अपने भाई की शादी मंगनी की अभी। अच्छा, खाला की बेटी से। जी अच्छा, तो घर आना जाना था? हाँ पहले घर आना जाना था, लेकिन अब बंद कर दिया क्योंकि मंगनी कर दी ना। जुल्म कर दिया, जुल्म कर दिया आपने, आपने जुल्म कर दिया।
जी कोई और फ्रेंड्स में किसी के साथ हुआ? शादी हुई है मेरी खाला खाला के घर में। अच्छा ये तो रिश्तेदारों का सीन चल रहा है। हाँ। मैं दोस्तों का पूछ रहा हूँ, मेरा तो, पूछे मना कर देना। जी जी। हाँ मेरी खाला के बेटे के साथ हुई है और यूएसए में रहती हैं। वैसे रिश्ता कितना बदल जाता है जब अपनों में शादी होती है तो? चेंज तो होता है, बहुत होता है। है ना, सारी खामियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। अजीब सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। 50-50 हो जाता है। 50-50। अच्छा तो कोई आपको ऐसा चेंज नजर आया कि ये पहले नहीं था और अब हो गया ये चेंज? जी। लड़के में या लड़की में कुछ इस तरह से कुछ? हाँ हाँ चेंजिंग आई है, है? बल्कि दोनों मियाँ बीवी में भी आ जाती है। आ जाता है। पहले कजन्स होते हैं और उसके बाद। अच्छा लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कजन मैरिजेज होती हैं उसमें खुदा के लिए आप लोग प्लीज़ अपने टेस्ट करवा लिया करें, वरना बहुत सारे बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया का शिकार हो जाते हैं और ये कज़न मैरिजेज में बहुत ज़्यादा होता है। सो कोशिश किया करें कि अगर कज़न में मैरिजेज शादियां हो रही हैं तो एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप करवा लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये करना है या ये नहीं करना है। लेकिन आज का जो शो है वो दोस्तों के नाम है जी और उनकी फैमिलीज़ के नाम है। ये दोनों दोस्त बहुत पुराने हैं, साथ में काम करते रहे हैं, बहुत अरसा इन लोगों ने स्टेज शेयर किया, टेलीविज़न शेयर किया, बड़ी स्क्रीन शेयर की फिल्म्स, और साथ में काम करते करते अब एक दूसरे की फैमिली जो है उनको उन्होंने अपना लिया है और बड़ी प्यारी दोस्ती है दोनों की। छेड़ते भी बहुत हैं दोनों एक दूसरे को, वो सिलसिला आज भी यहाँ पर रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ रऊफ लाला और शकील सिद्दीकी की। वो दोनों यहाँ पर होंगे लेकिन अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ, तो ये बड़ा मज़ा आने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं शकील भाई की फैमिली से और रऊफ भाई की फैमिली से। विल बी राइट बैक। शकील भाई की जो फैमिली है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं सबसे पहले तो आप सबको वेलकम करता हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने इतने बिजी टाइम में से वक्त निकाला। शकील भाई वाह पक्की बात है, बात तो सही है, है ना? अभी बहुतों से लड़ाई भी होनी है, तेरे शो में आया हूँ। लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शकील भाई यहाँ पे मौजूद है, शकील भाई की फैमिली यहाँ पे मौजूद है, इनके बिल्कुल मेरी सगी बीवी, अकलौती बीवी, और माशाल्लाह से 26 साल हो गए जी शादी को। हमारी शादी को बेटा मेरा माशाल्लाह शरील सिद्दीकी, बेटी फजर सिद्दीकी, अजान सिद्दीकी, फातिमा सिद्दीकी, अरमगान सिद्दीकी, और ये जो गोद में ये अरमान सिद्दीकी। लोगों के पहले बच्चे अरमान होते, मेरा आखिरी अरमान है। अच्छा आपने याद है आपको नाम सबके माशाल्लाह? अबे मैंने क्या टोकन लगवाया इन पे, इसे याद क्यों नहीं होगा? अगर दो चार आ रहे तो उनके भी याद होते, बच्चे तो अपने चार बेटे और तीन बेटियां। हाँ मेरे वाली साहब कहते थे बेटा, हम आठ बहन भाई थे। अच्छा हाँ अच्छा पालने वाले अच्छा, मुकाबला वाले से ही रहा? नहीं हारा मैं उनसे, अच्छा। एक बच्चा मेरा कम है। हाँ। मैंने अब्बा से कम्पिटिशन नहीं किया। वाली साहब और लोग कहते हैं कि दो बच्चे पढ़ाने में इसमें तकलीफ, मैंने कहा हम पालने वाले कौन है यार, पालनहार तो ऊपर बैठा हुआ है वही पालेगा। हाँ। क्योंकि अल्लाह पहले अनाज दुनिया में भेजता फिर बच्चा भेजता है।
राशन भेजता फिर भेजता ना। लेकिन डिपेंड करता है, अल्लाह ताला ने आपको जितनी हैसियत दी है, जितना सपोर्ट दिया है। हैसियत मेरी नहीं थी इतनी कि मैं सात बच्चे पाल सकता, लेकिन हो सकता है इनके नसीब से ही आ गया हो। वाह, बात यह है कि मेरे वालिद साहब कहते थे घर में बहन भाई होंगे ना तो खानदान की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपस में खानदान हो जाएंगे, फिर ना फुप्पी के बच्चे चाहिए ना ताया के, लेकिन हमें चाहिए, चाचा के बच्चे भी चाहिए, लेकिन जब सात बहन भाई हो जाते हैं ना, अब हम आठ बहन भाई हैं, जब हमारे यहाँ तकरीब होती है तो उनके बच्चे उनके बच्चों के बच्चे, तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बड़ी फौज है, काफ़ी बड़ी फैमिली हो जाती है। दुनिया में जितने मुसलमान हो ज़्यादा अच्छा है। ये अच्छी बात है। सो शकील भाई, पहली साहबजादी की शादी की, माशाल्लाह, और खैर आफियत से सारा सिलसिला, अल्लाह ने ऐसा कराया फैसल, लगता है कि मुझे तो कुछ पता भी नहीं लगा। अच्छा। हाँ, ना अखराजात का ना किसी चीज़ का, एक गैब से मदद होती रही है, अल्लाह ही मदद करता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, डोली और जनाजे कभी नहीं रुकते, उठते हैं। वाह। आदमी भूखा मर जाता, फाके से मर जाता है, लेकिन उसकी भी तो कफन दफन होता ही ना यार, वो रुकता तो नहीं है घर पे, उसको भी लोग ले जाते हैं ना, फाके से मर गया है, मरना भी आसान नहीं है अब फाके दुनिया में। बेटी का बाप होते हुए जी कैसा एहसास हुआ जब बेटी रुखसत हो रही थी घर से? मैं तुम्हें सच बताऊं, जैसे मैं पता रऊफ लाला के बेटे से शादी हुई है, हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने घर से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि लाला भी मेरी तरह का है, 35 साल का दोस्त है मेरा वो, माशाल्लाह, और एक जैसी रूटीन है हमारे घर की, बिल्कुल, तो इसलिए मुझे नहीं पता लगा कि मेरी बच्ची गैर में कहीं जा रही है, मुझे कोई खौफ हो कुछ हो, वो सब तो नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि बच्ची जब जाती है तो दुख तो होता है, तो हम भी तो किसी के लाए थे, तो दुख तो नहीं हुआ, दुख हुआ लेकिन वो वाला दुख नहीं कि क्या होगा बच्ची है हमारी और पता नहीं कैसे लोग होंगे, तो वो उससे मैं बिल्कुल बेफिक्र था, सच बता रहा हूँ, ये बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ। अभी तो दो और हैं माशाल्लाह से, और हम आपस में बातें करते हैं, मैसेज बहुत देते हैं ना एक दूसरे को कि भाई आपस में करना चाहिए, हम खुद अमल नहीं करते हैं, क्योंकि तबलीग करने वाले बाअमल नहीं है, इसलिए तो तबलीग कमज़ोर पड़ गई है। वाह वाह। तो हमने तबलीग की है तो हमने उस पर अमल भी किया है, आपस में रिश्तेदारियाँ भी की। आपकी मसरूफियत की वजह से भाभी की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है बच्चों? सारा इसी का है, सारा क्रेडिट इसी का है। अच्छा। घर से लेके बच्चों से लेके, सच बता रहा हूँ, ये मतलब दिल से बोल रहा हूँ, मैं तो 26 साल में शायद 15 साल बाहर रहूँगा, मजाक से हट के। ट्रू, है ना, ऐसा ही होता ना आर्टिस्टों का, तुम भी इसमें हो, तुम्हें भी पता होगा भाभी कितना गुस्सा करती हुई कभी कभी, फिर ले भी जाना पड़ता है मजबूरन, नहीं दिल करते हुए ले आना पड़ता है, मतलब है भाभी आप कितना गई हैं वैसे इनके साथ? माइक, बहुत कम। माइक देना। हाँ। गई हूं, बहुत कम गई। अच्छा जी। मतलब है मेन मेन जगह चली गई, इंडिया, ओमान, मस्कत, दुबई, एक दफा तो तुम्हारे साथ भी थे हम लोग, साथ थे। हाँ। तुम्हारी इस वक्त तुम सिंगल थे। अच्छा, तब की बात। हाँ, तब की बात है, इसलिए मैं तुम्हें क्लियर कर दिया कि आप कब चले गए थे, भाभी पूछेगी मुझे छोड़ के, सलमान खान के शो में। हाँ हाँ, वो बीइंग ह्यूमन। हाँ, वो हम जो 5 दिन के लिए साथ थे। हाँ। तो उसमें हम साथ ही थे, तो भाभी साथ थी। ठीक है। हाँ, तो मतलब है कि इसकी भी मतलब मजबूरी होती है, मेरी भी, कि मतलब अगर बात है यार, बच्चों का स्कूल है ये वो सारा, आज माशाल्लाह से ये मीडिया पढ़ रहा है। अच्छा। 2 साल पढ़ लिया इसने, 2 साल और रह गए इसके, माशाल्लाह, ये भी यही आना चाहता है, आना चाहिए। हाँ, मैंने कहा भाई जो तुम्हारे अंदर है वही निकाल के ले आओ, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कहूँगा पायलट बनो इंजीनियर बनो, जो तुमको करना है करो, ईमानदारी से करो, कहीं डाका भी डालने जाओ ना तो ईमानदारी से डालो, ईमानदारी जरूरी है, दुनिया में सबसे जो है ना असल महकमा, सही महकमा डाकुओं का है, कम से कम अपने नाम की लाश तो रखते हैं, डाकू है काम डाका डालना, डाका डालते हैं, और महकमों की तरह तो नहीं ना, पुलिस का काम है बचाना, दूसरों को पकड़ लें। आज यही होगा, आप लोग तालियां बजा बजा के थक जाएंगे। हाँ, आप लोगों को अपना हाथ घर पर रख के आना चाहिए था आज। बेटे से कुछ पूछना तो पूछ लो, इसे तुमसे मिलने का शौक भी था, मिला भी था तुमसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या करना चाहते, इससे पूछो आज मेरे सामने। तो क्या करना है भाई अभी? मुझे तंग करने के अलावा और क्या करना है बता। तो बहन जो है वो छोटी है तुमसे या बड़ी है? बड़ी है, 11 महीने बड़ी है। अच्छा अच्छा, सिर्फ 11 महीने का फर्क। हाँ यार, बस क्या करें, अल्लाह की देन है। मैं जल्दी में था,
कह रहा मैं जल्दी मैं जल्दी में था आप जल्दी में थे तो अब तो नहीं हो जल्दी नहीं नहीं मेरे ख्याल से बारात आ चुकी है लड़के वाले आ गए भगा बे रऊफ लाला है यार अच्छा वो भी आया है अच्छा बुला ले आइए जरा उनका इस्तकबाल करने चलते हैं आइए मैं लेने जाऊं क्या हाँ चलो भाई आ जाओ भाई आओ भाई घड़ियाल ने ओ निकालनी मेरा पिया घर आया लेनी मेरा पिया घर आया लालनी मेरा पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया हुन आवई कर दा निहालनी जी मेरा पिया घर आया ओ लालनी ओ मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया हो लाली मेरा पिया घर आया हो लाली छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं कहीं मत जाइएगा लाला जी भाई बादलों में देखो कैसे चांद चमकता शर्माए मुस्कुराए मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए मुस्कुराए मन मेरा रब से तू मांग लाऊं हूं बहू मांग लाऊं पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और मैं ऐसा लग रहा था जैसे छोटी सी कोई डॉल है जो कि हमारे सामने यहाँ घूम रही है और बड़ी प्यारी बेबी है ये लाला पहले फैमिली का इंट्रोडक्शन तो करवा दें ये करवा लेंगे तो सब जानते हैं मैं भी जानता हूँ उन लोगों को सब जानते हैं मेरे पोती 6 साल बाद जरा कोई गुजराती धुन बजाना मम रासले करना रासले एक मिनट अगर ये चल ही रहा है तो जरा बेबी की शक्ल दिखाएं सिर्फ जरा क्लोज करें थोड़ा और दादू पान कैसे खाते हैं दादू पान कैसे खाते हैं बताओ अभी तो बताया खुदाई ऐसे
थूकते कैसे? राव भाई की, राव भाई आप मिलवा दें आप सबसे। मैं तारुफ करवा देता हूँ, ये आपकी भाभी मेरी बीवी। अच्छा माशाल्लाह। ये मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह अब्दुल्ला लाला, और ये इनकी वाइफ है मेविश, वो मेरी बेटी सिद्रा, ये मेरा बेटा अमान लाला, और ये मेरा बेटा दूल्हा जो असद लाला, असद लाला असद रऊफ। और एक मेरी बेटी और है रुखसार, जो इनकी दुल्हन है वो अब आने वाली है। बिल्कुल हाँ, तो अब माशाल्लाह से दो बेटियों का बाप हो गया माशाल्लाह। जैसे पिछले शो में शकील ने कहा था कि मैं बेटी का बाप हूँ, तो मैंने कहा था यार आज से तू नहीं, आज से मैं बाप हूँ, क्योंकि मेरे आ जाएगी तो वह फिर मेरी बेटी। वो जाके टीवी पे प्रोग्राम देख रही है भाभी। वैसे नॉर्मली आप पहली दफा आई हैं किसी शो पे? नहीं, एक दफा मैं शाइस्ता के शो में गई थी। अच्छा। और ये सेकंड टाइम आपकी आ रही। अरे वाह, जाती नहीं है भाभी ज्यादा, ये कहीं नहीं निकलती। अच्छा, और लाला की जो पोती है वो बस घूमे जा रही है और वो अपना एंजॉय कर रही है। उसे घूमने दो, हम अपना शो करते रहेंगे, ये माशाल्लाह घूमती रहेगी। बच्चे हैं संभालने के लिए मेरे ख्याल से। हमारी जो बहन है छोटी, उसको यहाँ बुलाते हैं, वो दूल्हा अकेला बोर हो जाएगा यार। हाँ यार, वैसे ही माशाल्लाह अकेला है, खुश खुश है, अभी आप बराबर में आ जाएगी फिर ही मुझे। नहीं ना, दूल्हा दूल्हा जाए बड़ा खुश होते। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबला, वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबला, असा उठ जाना, असा उठ जाना, वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबला, वे साडा चिड़िया दा चंबा। बख्शी देनी माए बत्तियां तारा, जां दीवार सलाम गुजारा, दर्द सुने मेरे दर्द सुने, अज कौन वे माँ मेरे दर्द सुने, अज कौन वे माँ मैं उठ जाना, असा उठ जाना, वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबलानी वे बाबला, वे ले जाए ना लोग मुझको, मेरी जान पे लगाए कैसा रोग, बाबला ले जाए ना लोग मुझको, मेरी जान पे लगाए कैसा रोग, बाबला ले जाए ना लोग मुझको। मैंने बाब क्या क्या सोचा, मेरा जीवन तो राजा था, क्यों गैरों से बांधा संजोग, बाबला वे ले जाए ना लोग मुझको, मेरे जान पे लगाया कैसा रोग, बाबला वे ले जाए ना लोग मुझको, मेरे जान को लगाए कैसा रोग, बाबला वे ले जाए ना लोग मुझको। और
वेलकम करते हैं आपको और आप दोनों को, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं दोनों। और खुदा के लिए ये मेरे कान में मसला हल करें वरना मुझे उतारना पड़ेगा। क्या हो गया, अतर का फोया तंग कर रहा है? अरे बहुत तंग कर रहा है यार, वो छे छे सात सात आवाजें आ रही है अंदर। वहाँ भी देख लो, कोई दूसरी बारात तो नहीं पहुँच गई? तौफीक का पता नहीं है ना, तौफीक बोले एक बारात यहाँ भी चला दो भाई। लाला ये कब तय हुआ ये सिलसिला? ये अजीब स्टोरी है। मोबाइल में लिखा हुआ? नहीं नहीं, अबे लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, हम बोलते तो लोग लिख लेते हैं। हाँ ये तो है। अच्छा पहले एक बात क्लियर कर दो, जैसे अभी तुम्हारी भाभी ने मुझे टोका हल्के से, मैंने बोला ना कि मेरी एक बेटी है सिद्रा और दूसरी मेरी आ रही है, मेरी ये तीसरी बेटी भी है, उसने थोड़ा मुंह बना लिया, तीन बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह से। नहीं नहीं, असल में हुआ ये है, लाला ने दो बेटियां ठीक बोली हैं, ये और ये है बेटियां, वो तो प्रायधन है, वो उनकी बेटी अब हो जाएगी, तो इस हिसाब से बोला इसने। लेकिन इस वक्त तो मेरी इस वक्त तीन है और अल्लाह वो चौथी भी तैयार होगी, वो तो हो गई है। तो मेरी जान है पता है। तो ये मैं रिश्ते की बातचीत चल रही थी तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, तो इसके कान में भनक पड़ी कि रिश्ते आ रहे हैं ना, तो बीच का मेरा मतलब साड़ू वो उससे इसने बात की सुहेल से। अच्छा। कि यार ऐसा ऐसा मसला है, तो उसने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई यहाँ पे बेलियाँ और यहाँ पत्थर आते हैं, लड़की तो है जो रिश्ते आते हैं, मैंने कहा वो दोस्त ले आए, फिर जब ले आए तो हमने इन दो एक दूसरे को दिखा दिया। अच्छा। मतलब ये होता ना कि मतलब है कि पूछा नहीं बेटी से, पूछा नहीं, ये बुरी बात होती है। मैंने बेटी की मर्जी मालूम की, उसने कहा हाँ ये ठीक है, तो मैंने यस कर दिया, बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर दिया। बेटी तो रहना बेटी ने है ना, और ये हमारे मजहब इस्लाम में भी है कि ये अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब रिश्तेदारों में अजीजों में, मैं समझता हूँ जिसके साथ ज्यादा वक्त आपका गुजरता है, जो आपका साथी होते हैं, जो आप जिनके साथ आप काम करते हैं, वो रिश्तेदारों से ज्यादा अजीज होते हैं। बिल्कुल। शकील 38 35 साल से मेरी इसकी दोस्ती है। हम बचपन के दोस्त हैं, मतलब नहीं समझना हम 80-80 के हैं। ये तो फिर भी 80 का है, मेरे को कम समझ लेना आप, क्योंकि मेरी बहनें जितनी भी थी उनकी शादियां शकील के सामने हुई, उनकी बहनों की मेरे सामने हुई, एक दूसरे को जानते थे पहचानते थे। तो जाहिर है जब इंडिया में बैठे बैठे एक रात को हम लोग जिक्र कर रहे थे ऐसे बैठे बैठे, तो मैं ये इसने कहा कि यार मैं रुखसार के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी असद के लिए, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इससे बात करूँ, कि यार बड़ा अजीब सा लगता है ना बंदे को कि यार मैं कैसे बोलूँ। तो बीच में फिर सुहेल अंसारी है हमारे, इनके साडू है हमारा, बहुत अच्छा बच्चा है वो। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार बात कर शकील को, कहीं ये नाराज ना हो जाए, तो इससे बात की, इसने चाय पे बुलाया, उसी वक्त तय हो गया। मैंने 1000 रुपये निकाले, मिठाई मंगाई, 500 की ये खा गया, 500 की सबने खाई। मैं क्या कहता दोस्तों के बारे में, दुनिया में सारे रिश्ते बने बनाए उतरते हैं, एक दोस्ती का रिश्ता जो दुनिया में आदमी आके बनाता है। तो आप लोगों की जो बेगमात है उनकी भी आपस में दोस्त, मना कर दो ना, बताओ मैं शो पे हूं। यार एक मिनट, इसको मैं क्या ऑन ईयर ले लूं क्या? कौन है बदतमीज? हेलो हेलो, पैसे मांग रहा है वो। हेलो, हाँ कौन? देख ले इसे चुनाव, बाद में माफिया मांगता रहे, वह गलती हो गई थी जो मैदान में गलती हो गई थी। इसका एक तरीका है, बंद कर दो। बेहतरीन, फोन बंद कर दो शकील, आता बंद करने मैं कर दूं। आ जा। ये सही कह रहा है कि हम मेरी वाइफ और शकील की वाइफ की इतनी मुलाकात नहीं थी। अच्छा। ये बस इस रिश्ते के बाद, इस बंधन के बाद, कभी भाभी को लेके ही नहीं आया मेरे घर पे। नहीं लाया। नहीं नहीं, भाभी को एक या दो दफा। यार ये इतना चालाक आदमी है फैसल, इस आदमी की मैं चालाकियां बताऊं। भाभी कहती थी मुझे लाहौर घूमने जाना, ये शख्स कहता था तुम नहीं जा सकती, तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बना हुआ। इतना चालाक आदमी है। ये होता है सीधी सादी लड़की से शादी करने का फायदा। तो फिर ये हुआ, आजकल तो चलाको मासी है ना, कहता पासपोर्ट नहीं बनाया, तीन बनावा ये लो, वो तो निकाल के रख देती है। तो भाभी कैसी दोस्ती हुई आपकी और हमारी इन भाभी की? माइक माइक, हाँ माइक माइक दो उनको, माइक देना। हाँ शादी में जाते थे, मिलते थे हम लोग, तो अच्छी दोस्ती थी मेरी, जान पहचान भी अच्छी थी दोनों की। अच्छा, तो आप समधने बन के कैसा लग रहा है आप लोगों? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो ये बहने हैं, समझ नहीं, बहने हैं जी जी। अब शेयर करते हैं आप लोग चीजें आपस में।
अच्छा तो तुम माशाल्लाह दो दो बहुएं घर में आ गई। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों मेरी बेटियां हैं और ये मेरी बड़ी बहू बहुत माशाल्लाह बहुत ही प्यारी माशाल्लाह। ये मैं बताऊँ, मैं ये नहीं कि मेरी बेटी उनके घर गई है तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वो लड़की वाकई बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये जो बहू है ना लाला की बड़ी बहू माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह ऐसी बहू सबको दे। और मुझे आपकी जो पोती है ना उन्होंने ड्यूटी पकड़ी है सबको बिस्किट खिलाने की, ये अच्छा वो इशारा भी करती है एक मिनट शो का शो न्याज भी बट रही है शो भी चल रहा है क्या कहिए तो ये माइक पकड़े आप कुछ मुझसे कहेंगे कुछ पूछना है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ जरा बच्ची का पोती को। हाँ वो तो घूमती रहेगी माशाल्लाह घर पे ना गिरती फिरती बहुत है। पांच साल शादी के 5 साल बाद हुई है, बड़ी मन्नतों की दुआओं की खुदा की कसम बड़ा मैं इसका ध्यान रखता हूँ और वक्त इसके हिस्से का भी खाता हूँ कि मोटी हो जाए, होती नहीं है। इस बात पे तो नहीं जाते तो अच्छा है। कहाँ पे के खाने पीने पे? हाँ ये तो दुनिया में अनाज खत्म करने उतरा है एक मिशन लेके। फिर वो फर्स्ट एपिसोड वाली बात की उसने, नहीं तो खाता तो माशाल्लाह कितना लोग चावल खाते प्लेट में या आंगन में पसार के मशक से दाल डाल के खाता है। ये दोनों नहीं बात आ सकते। नहीं हमारी दोस्ती अपनी जगह पे, बेस्ती बेस्ती हम खेलते रहेंगे सारी जिंदगी। तो ये शादी पे भी हुआ ये कुछ ऐसा सिलसिला? हल्का फुल्का झगड़ा भी हुआ। झगड़ा हुआ वीडियो में तुम वो लगा के देख रहा फैसल अपना फंक्शन वाला अगर सीन हो तो क्या झगड़ा क्या हुआ? इंडिया का शो नहीं आता एक CID उसमें जो मुर्दों को चेक करने वाला आदमी होता है मूंछ वाला ऐसे मुंह बना के घूम रहा था पूरा। अरे शकील एंजॉय कर तेरे तेरा तेरी बेटी। अच्छा फैसल जब शादी होती है और एक आदमी पे जिम्मेदारी हो बेटी की शादी उसकी क्या हालत होती होगी यार? तो बेटे की मैं दुनिया में अपनी शादी में मैंने सिर्फ एक काम किया था कबूले 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 बोला था बस, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मुझे पता लगा शादी कैसे होती है। घर की पहली थी ना? हाँ नहीं मुझे अकेले ही करना पड़ा था ना सब सारी मतलब A to Z। ये नहीं कि बीच में मैं किसी को शामिल करूँ तुम ये लाओ, नहीं भाई मुझे अगर हल्दी भी लाना है ना इसके लिए तो मैं खुद ही जाके लाऊंगा। तो ये जब शादी होगी ना बेटी की, अभी तो बेटे की ना इसे दोनों, जब बेटी की होगी इसको पता लगेगा। और खुदा की कसम मैंने कहा था भाभी आपसे रुखसती के वक्त कोई नहीं रोएगा, मैंने कहा बहुत खर्चा हुआ है मेकअप पे आप लोगों का कोई नहीं रोएगा। ये तो है हाँ मैंने बोला था भाभी से पूछा, मैंने कहा कोई नहीं रोएगा। मेरा तो ये है कहना ये शादी में मेरा ख्याल है पार्लर खोलूंगा मैं, बहुत मिलता है। मेरी एक थिंकिंग है फैसल पता है क्या, एक सोच है कि बेटी एक है ना मेरी, 3 बेटे 1 बेटी, लेकिन जब इसको रुख्सत करूंगा ना उससे 2 दिन पहले रो लूंगा, लेकिन रुख्सत करे ना जब भी खुश होकर करे ताकि खुशी खुशी जाए। दादू रो रहे? नहीं नहीं ये तो रोई थी फिर भी रोई थी। दादू रो रहे? मेरी बीवी तो फिर भी रोई थी। अच्छा और वो आगे निकल ही जाता, वो तो निकल ही जाता। दादू रो रहे? पढ़ दादू ने मारा बेटा, पढ़ दादू ने। वो अपना एंजॉय कर रही है ये, इसको ऐसे ही रखना है, इसका दुपट्टा हटाऊं थोड़ा सा दूल्हे मियां का काम तो मैं कर रहा हूं। आ जाओ मैं तो कहता हूं ये लाल वाला तो हटा ही दो ना बस, वो अच्छा ड्रेस है। चलो अब शादी हो गई, कैसा लग रहा है दूल्हे मियां शादी के बाद लाइफ में चेंज आने के बाद? माशाल्लाह अच्छी हो गई है लाइफ, पहले से काफी बेहतर है। ये कि पार्टनर आने के बाद काफी सारी चेंजिंग आ जाती है। अच्छा शादी से पहले कुछ अपनी जो आपके शौक थे आपकी चीजें थी वो शेयर कर ली थी? वो इसको शौक ही नहीं था, मजे की बात ये इसका रिकॉर्ड है पता है, वो मतलब ऐसे थे कि ज्यादा कोई भी पार्टनर को बुरे ना लगे। अच्छा तो ये के अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई हमारी माशाल्लाह से, अच्छी घूमने उमने नहीं निकले तुम लोग अभी? अब जाएंगे इंशाल्लाह उमरा करना है। अच्छा जी माशाल्लाह अभी उमरा पे जाएंगे पहले। अच्छा वहाँ से फिर जाएंगे घूमने। तो बेगम ने घर में कुछ खीर वीर पका ली? अभी नहीं पकाई, इंशाल्लाह कल कल है। अच्छा आपको दावत है हमारी तरफ से, फिर नहीं आई हो? अपने घर नहीं आ रहा है ये शो करो उसके बाद शूट करो रात को घर पहुंचो तो बिल्कुल तो जाता अपने घर है ना। हाँ भाई हाँ, तो ये क्यों कह रहा अपने घर मुश्किल से जा रहा हूँ, भाभी सुन रही है। मैं जाता हूँ जाके सो जाता हूँ और क्या करना है। नहीं बात ये है कि इसके तुम बोलो शौक इसका, इसके जिंदगी में एक दोस्त है मजे की बात बताऊँ। अच्छा एक ही है और ये इसका कोई रिकॉर्ड भी है। लाला बता रहा था कि कुछ दिनों पहले जो है ना ये फ्लैट पर रहता ना ऊपर,
तो कोई काम नहीं था, तो दो तीन महीने तक उतरा ही नहीं फ्लैट से, ऐसे ही था कुछ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लाला ने बताया। हाँ नहीं सच्ची बात, ये फैक्ट बताया। ये आज के दौर में आज के लड़के, मैं कहता हूँ अल्लाह का करम है, मेरे मालिक का शुक्र है कि मेरे बच्चे बहुत नेक है और साले। औलाद नेक होना तो सबसे बड़ी कमाई यही होती है। अब किससे बात करेंगे, ये तो बच्चों से लगे हुए। आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। तो किससे करूँ मैं, बता दूँ? इसी को बुला लेता, हमें क्यों बुलाया? हेलो, सबसे स्पेशल गेस्ट है ये, ये शो कर लेती सारा है ना, है ना। दादू पान कैसे खाते? शाबाश, उतना प्यारा वो बना दी। शादी पे इसने किया ना, शादी पे रासड़ा किया, रासड़ा करके दिखाओ। करती रहेगी। अब्दुल्ला की शादी हुई थी ना फैसल, तो मेरे पहले बेटे की शादी हुई, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा शादी में कार्ड कितने दूं आपको? इसने बोला पापा मैं, मुझे 250, मेरे दोस्त हैं 250 250 कार्ड, इसकी प्यार अच्छी है। उससे पूछा, उसने बोला 15 आदमी, मैंने 15 कार्ड दिए इसको। मैंने कहा बेटा आपको कार्ड कितने दूं? कह रहा है एक। फिर कह रहा है एक भी नहीं देना, फोन पे बता दूंगा। इसका कोई नहीं है, इसको मतलब अगर सदर में छोड़ दो ना, ये दुबई समझेगा क्या? हो दुबई आ गया हूं मैं यहां पे। यार इतने इल्जाम लग रहे हैं यार, बहुत हल्का लिया हुआ तुम्हें। हल्का नहीं, ये सीधा मेरे बच्चे पर से आया हूं, ऐसा लग रहा है शिकारपुर से आया हूं मैं। नहीं सीधे, नहीं अकल बहुत है। हां अकल बहुत है, कंप्यूटर के मेमन का लड़का है। कंप्यूटर के मामले में पूछ लो कहीं भी कुछ भी, 6 महीने बाद एक चीज दो, पूछ लो ब्रेक कितनी देर में आने वाला है, अभी बता देगा एक मिनट में। 6 महीने पहले कोई चीज दो और 6 महीने बाद मांगो, वैसी नहीं मिलेगी। कंजूस बहुत है यार, दूल्हे को कंफ्यूज कर दिया। नहीं अच्छी बात है, ये अच्छी चीजें हैं जो है ना, फालतू खर्च नहीं है। आज के दौर में ऐसे मासूम लड़के काम नहीं, अच्छा है, मतलब है, मिलते भाई दूसरा उधर भी है, तीन तीन ठेला लेके घूम रहे हो। अल्लाह ताला ने फरमाया जैसी आप आपने अपने माँ बाप के साथ किया है ना, आपकी औलाद आपके साथ वैसा करेगी। हम सही रहे ना तो अल्लाह ने हमारी औलाद सही दी। जैसे कहते हैं ना कि नेक आदमी के लिए, कुरान शरीफ में भी है कि नेक आदमी के लिए नेक औरतें, तो नेक बाप के लिए नेक औलाद है। माशाल्लाह, अल्लाह का करम है मालिक। ब्रेक ले लूं हम? ले लो भाई, तुम घर जाओ, हम लोग कर लेंगे शो। आप ब्रेक किस में बैठा हुआ है? मैं बिस्कुट ले लूं। ब्रेक हम ले, इंटरव्यू हम खुद ही दिए जा रहे हैं। इसके हाथ का पैसा हमें देना, मैं ब्रेक लेता हूँ। मिलते खाती नजर आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैसे? अपनी छप बनाई के पी के पास गई, जो छप देखी पीयू की, जो छप देखी ये बात, जो छप
छाप तिलक सब झील रे मोसे नैना मिला गे छाप तिलक सब झील रे मोसे नैना मिला गे छाप तिलक सब झील रे मोसे नैना मिला गे और लाला भाई और शकील भाई दोनों आ जाए और जाइए ये नैना मिला के सैना चला के मोसे सैना के मोसे अघम कह दी रे मोसे नैना मिला के बात अघम कह दी रे मोसे नैना मिला के हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया जी गोरी गोरी भैया वाली हरी गोरी भैया लाला भाई भैया पकड़ हर दी रे मोसे नैना मिला के भैया पकड़ हर दी रे मोसे नैना मिला के भैया पकड़ हर दी और ये शेर फैसल भाई की नजर करूंगा कहां पर है आप तो साजन बने मन मोहन साजन बने मन मोहन साजन बने बने मोहन साजन बने मन मोहन साजन आप तो साजन बने मन मोहन मोहे बेदम कर दी नैना मिला के मोहे बेदम कर दी मेरे मोसे नैना मिला के मोहे बेदम कर दी मेरे मोसे नैना मिला के और प्रेम भट्टी का प्रेम भट्टी का मदवा पिला के प्रेम भट्टी का मदवा पिला के मोहे 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 प्रेम भट्टी का प्रेम भट्टी का मदवा पिला के मतवारी पिया मतवारी सोना मतवारी कर दी मेरे मोसे नैना मिला के मतवारी कर दी मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छी सारियों में मेरे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छी नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के जी सैना चला के मोरे सैना चला के मोरे सैना चला के मोरे चला के मोरे सैना चला के मोरे सैना नैना मिला के सैना चला के बात अघम कह दी नीरे मोसे नैना मिला के नीरे मोसे नैना मिला के रे बले बले जा बल जाओ हे नीरे गारे सा नीरे गारे सारे सा नीरे गारे सा नीरे गारे सारे सा नीरे गारे सारे सा नीरे गारे सा हे नीरे गमारे गारे सा पमारे गारे सा नीरे गमारे गारे सा पमारे गारे सा नीरे गमारे गारे सा पमारे गारे सा मदनी जाने दा पमारे गारे गारे सा रे गारे गारे सा रे गारे सा नीरे गारे सारे सा नीरे गारे सारे फैसल भाई बल बल जाऊं मैं प्रेम बटी का बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा मैं तोरे रंग रे जीवा मैं तेरे रंग रे जीवा क्यों अपनी सी
मोहे अपनी सी सोना अपनी सी रंग दे हरी हरी चूड़ियाँ ची गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया सजना बाकी गोरी सजना गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी भैया भैया पकड़ खुसरो ने जाम के ने जाम के बल बल जाइए खुसरो ने जाम के बल बल जाइए वाके ये वाके बल बल जाइए वाके बल बल जाइए वाके खुसरो ने जाम के बल बल जाइए मोहे सुहागन की रे मुसलना मिला के मोहे सुहागन की रे मुसलना रे नैना शकील भाई के लाला के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। हमने नहीं गाया था, ये हमारे मुल्क का फखर है। हमने नहीं गाया था, आपने गाया था, आपके लिए ताली होनी चाहिए। इतनी सी है रिदम में माशाल्लाह। अच्छा पता है क्या, अब अल्लाह पढ़ा के भेजता बच्चे, हम आके पढ़े थे। अच्छा टाइम कम है ना, अब बहुत तेज हो गया। मतलब 4 साल के बच्चे को पता है क्या अच्छा क्या बुरा है। अच्छा मुझे ये बताएं, बच्चों में सबसे ज्यादा दोस्ती किससे रही है? मेरी मेरी दोस्ती भी है और ये मुझसे डरते भी बहुत है। नहीं, एक होता है ना जिससे ज्यादा दोस्ती होती है, इससे ज्यादा है। अच्छा हाँ, ये जो है ना, ये घर के अंदर एक एटम बम है। ऐसा है? ये ऐसी बिदक जाए अगर, अच्छा फिर समझ लो छोड़ो, अच्छा छोड़ो, चलो छोड़ो, यूं करना पड़ता है। अच्छा अच्छा चलो, मैं भी गुस्सा खत्म करता। हाँ नहीं, मैं तो खैर होता ही, मैं बच्चों पे बहुत होता हूँ तो बहुत होता हूँ, नहीं तो अवॉइड करता। ये है सारा दिन ये लगी रहती। अच्छा इसकी आवाज़ आती रहती। जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। लाला आपकी दोस्ती क्या हो गया? खत लिखना बैठा हूँ, यहाँ मुंशी बनिया मुंशी। मैं ये भी चश्मे पहनता, मैं भी पहन के देखूँ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा हूँ। शर्मा के बोले सही लग रहे हैं। ये अपने माइक का है? नहीं, वो उसके प्लास्टिक के हैं। ऐसे ही गिरती है घर पे भी। एक दफा ऐसा बुरा गिरी थी, मैं मुझे अजीब हो गया था। मैं जी फैसल भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछा था बच्चों में ज्यादा दोस्ती किससे रही? तीनों बेटों में से मेरी अल्लाह का करम है कि तीनों से मैं दोस्त हैं तीनों ही मेरे। अच्छा हाँ बिल्कुल दोस्तों की तरह, इनसे कोई मशवरा करना होता है तो अभी भी इनसे करता हूँ। अच्छा तीनों के मशवरे लेता हूँ। मानता नहीं है, करता अपनी मर्जी की, लेकिन मशवरा सबके लेता हूँ। बिल्कुल पूछता सबको हूँ क्योंकि ये सब माशाल्लाह। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि सुजुकी ले लेते हैं, कोई गाड़ी ले लेते हैं छोटी। हाँ भाई क्या कहते हो? नहीं बड़ी ले लेते हैं, बड़ी ले लेते हैं, नहीं फला ले लेते हैं, नहीं ठीक है छोटी ले लेते हैं। तो फायदा ये वाला काम है। कोई होता है ना कभी ना कभी, ये आजकल की जनरेशन है, ये आपको मशवरे देती है, ये सब कंप्यूटर वाला काम है,
ये बताते पापा आपने देखे इस तरह करना है आपको, लोग यूं कंप्यूटर पे वेबसाइट पे नेट पे देखते हैं आपने ये काम डाले ये करें, ये करता है कंप्यूटर पे मेरा काम, अमान करता है, ठीक है, ये आके अपना काम करता है कंप्यूटर पे। अच्छा, बाकी अपने अपनी मर्जी का मालिक है, ऐसा कोई इसका बहुत ही इसका कंप्यूटर भी काम करता है, इसका दिल भी काम करता है, इसका गुर्दा भी करता है, ये नहीं करता बस। कोई खास होता है ना ऐसा मशवरा जो लेना होता है फिर वो मैं इनसे लेता हूँ, वाइफ से यार सुननी पड़ती है। नहीं सुने क्यों नहीं सुनेंगे, इसकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। आप ही सुनते हैं ये आपकी? नहीं सही 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 बताओ, सुनता हूँ चश्मे वाली चुईया अभी शुरू हो जाते हैं सारे भाड़ में गए, काम पे आ जाओ यार। लो भाई इसका वाकया वाकया सुनो भाई। कोई वाकया नहीं यार, रुखसार क्या रुखसार आई एक महीने से रुखसार मेरे को दिखा अपने बेटा, मैं किसी किस्म का कोई झगड़ा कुछ किया कभी भी कोई ऐसी बात मशवरा सबसे लेता हूँ ना, कुछ भी कर ले वो हमारी हो गई है, वो तुम्हारी है भाई। मैं तो शादी में झगड़ा किस बात पे हुआ था? अबे एक आदमी से आलू मांग लिया चिड़के आलू पका ही नहीं है तो क्यों मांग रहा है भाई तू? 3:30-4 बजे हम लोगों ने भाभी बिचारी भूख से मरे जा रही है, आए पुलाव तो खोल दो, आए पुलाव तो खोल दो, मैं पुलाव खोल दो बांधा हुआ क्या भाई, पुलाव खाया 3:30 बजे माशाल्लाह इसने 300 आदमी की अपने दावत रखी थी, 450 आदमी इस टाइप के लोग आए जिनके यहाँ कान लगे हुए थे खुदाई के, अजीब अजीब किस्म के लोग। हुआ क्या है कि एक के साथ 3-3 लग के आ गए ना, आर्टिस्ट देखना वहाँ पे अजीब अजीब लोग आ गए। अब जाहिर है उसी वक्त जो है हमने खाना है ना दो देगे, शकील ने बोला फटाफट बनवा, मजे की बात है 1.5 देगे उसमें बच गई। अच्छा हाँ, मगर गलत तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि लोग हैं अभी रह गए, तो चंद आर्टिस्ट रह गए थे, तो मैंने बोला यार 2 देग मंगवा लो अगर और लोग आ जाएंगे, तो 1.5 देग बच गए। हुआ क्या है कि जो नए जो आए थे लग लग के उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, चलो मेरी बच्ची की शादी की खुशी में 4 फनकार देखने आए थे, ठीक है ना, एक तो गाड़ी वाला पता है क्या हमारे यार आप लोगों के बड़े फैंस हैं आप लोग, मैं तुम्हें सच्चा वाके घर लेते हैं आप लोग घर के सामने, नहीं मुझे पता है सुन घर के सामने से गाड़ी मेरी निकली है तो बीवी मियां से कह रही है, मेरे घर वालों ने सुना कि वहां कहां जाएंगे यहीं रहते ना मजा आ रहा है यहां पे, खाना खा चुके थे। अच्छा यहीं रहते ना, आर्टिस्ट वार्टिस्ट आएंगे यहाँ फंक्शन चलेगा तो यहीं रहते हैं, तो मैंने कौन थे, बोला पता नहीं हम भी नहीं, देखो ये चलते चलते गाड़ी इधर मोड़ ली उसने और उन्होंने कहीं और जाना था। ये वलीमे में हुआ है, वलीमे में एक फैमिली आई, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये शकील अच्छा, दो घराने चेंज जबाने चेंज, तो मैंने कहा शायद ये फैमिली शकील, लेकिन मुझे वो शादी के लोग ही नहीं लग रहे थे, वो आए मुझसे भी हाँ ना सलाम दुआ की ना ही लोग, वो आए अपनी मर्जी से अंदर चले गए, मैं पीछे पीछे चला गया, मैंने कहा बात सुनना भाई कहाँ जा रहे हो, उसने देखा कि ये तो बंदा आ गया पीछे, हम तो हाल देखने आए हॉल देख के आए यहाँ बुक कराने के लिए, मैंने कहा देख लिया चलो बाहर आ जाओ। ऐसे नहीं करते पता है, हमने भी अपनी एक एज में बड़ी मुफ्त की शादियां खाई हैं। नहीं नहीं वो तो ये धोनी का साथ देगा ना मुफ्त वाले का, वो तो अभी हमने भी खाई है, मैं अभी किताब दे दो तुम्हें, वो लोग अभी तक खा रही हूँ मैं ये बात नहीं है, बात ये जाते थे शादी में हम भी खाई है, हम भी गए तंबू के नीचे से गए खुदा की कसम, छोटे छोटे होते थे मजा आता था। अरे मेरे को तो वो काम किया भी जाके ना दूल्हे वालों से मिल रहे हैं, मुबारक हो हम लड़की वालों की तरफ, और जब तक तंबू में खास नहीं मिले ना घुसने का उससे पहले है ना बंद दुकानों के लकड़ी से शीटर बजा रहे होते थे, कर 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 जहाँ देखा कोई नहीं प्लुम नीचे से चले। आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या चीज कॉमन है घर में? घर में सब कुछ ही सेम है इन लोगों में। अच्छा मुझे लग नहीं रहा कि मैं ससुराल गई, मुझे लग रहा है घर गई, घर में वही शैतानियां वही शरारतें वही बातें चल रही है, वही टाइमिंग खाने की वही उठने की सब कुछ वही है, सब ऐसा ही सेम है, कुछ नया नहीं। पर,
लेकिन वो ये लोग आपस में जब मेमनी में बातें करते हैं कभी घर में समझ में आती है लेकिन बोलना नहीं जाता मुझसे कंफ्यूज हो जाती है। अच्छा फिर मैं अपनी बोली इस्तेमाल करती हूं। अच्छा फैसल ये खुद भी बहुत अच्छी जुगत करती है माशाल्लाह से ऐसी ऐसी बातें करती है। रात को 3-4 बजे हम लोग हंस रहे होते ना पड़ोसी सोच रहे थे यार ये लोग कोई पागल है कौन लोग है जो इतना सोचते तो सही है वो है देख ले यार पागलों में वो आता ब्लड में आता है ना। हाँ वो तो कुछ भी कर लो आप कबूतर आपने कौवे के बच्चे को आप उड़ना नहीं सिखा सकते ना वो तो उड़ा उड़ने तो कौन आता से है। बच्चे में लगता है सबसे ज्यादा शकील सिद्दीकी है मेरे। हाँ यार वो उसका वो छोटा वाला उसके मैं बताऊँ 3.5-3.5 साल का था। अच्छा उसको पता है कि मुझे पापा मारेंगे ना और मैं पापा को बोलूंगा सबकी पिटाई होगी। अच्छा ये डांट पड़ेगी इसको पता है ये बात इसको पक्का पता है कि मैं मुझे कोई छू नहीं सकता। अच्छा झूठी भी शिकायत लगा देता है ये आप गए थे ना इन्होंने मुझे मारा इसने मारा इसने बैठे स्कूल में मिस ने बोला अपने पापा को बोला हमने सेल्फी बनानी है। अच्छा फोटो तो कह रहा मुझे 2 थप्पड़ मारो खुद ही आ जाएंगे मतलब उसको पता टेक्निकल पता है मैं जाके शिकायत करूंगा मुझे मार पड़ी बच्चे वाकई में देखे ना मैं आपको बताऊँ अमान है ना पीछे बेटा मेरा बेटा वो छोटा था तो वो एक दिन गाना गा रहा घर के अंदर आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे थे एक में तनहा थे बाकी सब पलटे हुए थे ये समझो और ये असद जो है ना ये रोते रोते सोफे में चला गया टांगे बाहर थी तो ये क्या कह रहा छोटा था तेरा पप्पा मैंने कहा तेरा देखो गाड़ी ठीक कर रहा है ये ऑब्जर्वेशन है वैसे इसमें भी है माशाल्लाह मेरे तमाम बच्चों में। अच्छा हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा ह्यूमर सब में और आज तो पाकिस्तान के हर शख्स में है महंगाई ने कुछ अच्छा किया ना किया हो ह्यूमर अच्छा कर दिया पब्लिक का है ना इन बच्चों में तो बहुत सब में है। ये शकील ने जो कहा ना कि आजकल अल्लाह मियां वहां से पढ़ा के सिखा के भेजते हैं अभी इस बच्ची को क्या पता 1.5 साल की बच्ची है स्टेप को रिदम के साथ साथ बताए दादा पान कैसे खाते है सेम मुंह बनाती है वो है भी मेरी कॉपी वो। हाँ भाई दादा पान कैसे खाते हैं हाँ दादा पान कैसे खाते हैं यार वो अपना काम करने दो तुम अपना करो यार छोड़ो उसको वो मस्त है घूमने से दादू पान कैसे खाते हैं छोटी सी बांदरी है बिल्कुल वो अपना एंजॉय कर रही तो शादी जो है हाँ अब तुम भी करोगे तुम्हें पता लगेगा कौन शादी करेगा नहीं यार घर में बच्चों के यार इसको इतने चाहिए भाई माशाल्लाह ये कारीगर लोग हैं हीरो जितने भी है ना अरे नहीं नहीं टाइम फैसल तो अच्छा है कैरेक्टर का अच्छा है ये ऐसा नहीं है हीरो है माशाल्लाह हाँ ये नहीं करेगा शादी बस हो गई एक काफी है। बात ये है कि ये इतना बड़ा फरीजा होता है बेटी रुखसत करना और यकीन जानो 2 महीने तक मैं पैदल इतना चला हूँ मैंने लाइफ में इतना नहीं चला हूँ मार्केट में अपने जब से शोबिज में आया हूँ मतलब आज 35 साल तो हो गए शोबिज में मैं इतना कभी नहीं चलाऊंगा फैसल कार्ड तो हर चीज खरीदारी इसके सारे कपड़े मैं लेके आया हूँ अपनी पसंद से। अच्छा ये इसको नहीं आना पड़ा मेरी वाइफ को नहीं आना पड़ा वो मैं इंडिया से लाया तो इसकी पसंद थी नहीं थी नहीं इसको सब पसंद आई मतलब मैं अच्छा मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं आज मेरी शादी को 26 साल हो गए मतलब हो गए मतलब बेटी मेरी बेटा मेरा ये जितने बच्चे हैं ये वाइफ इनके सब के कपड़े आज तक मैं ही लाता हूँ ये कैसी बात है आज तक ये एक दफ़ा शॉपिंग में गई थी ईद पे उसके बाद इससे तौबा कर लिया मुझसे अच्छी नहीं खरीदी जाती क्योंकि कम भी तो कराती है ना। चलें छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं। तुम ब्रेक इतना ले रहा है लगता है ट्रक में बैठा हुआ है बादलों में देखो कैसे चांद चमकता शर्माए मुस्कुराए मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए मुस्कुराए मन मेरा रब से तू मांग लाऊं हूबहू मांग लाऊं पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा तेरे बिना जी
तेरे बिना जीना नहीं वे सोने सही डांस किया सबने है ना आई नो तीन डंडियां टूट गई ना ना गाने नहीं सुन रहा हमारी जो डायरेक्टर है उनकी बात सुन रहा होता गाने नहीं सुन रहा क्या कर उसने मेरा हेडफोन उतार दिया मैंने गाने नहीं सुन रहा मैं जो हमारी डायरेक्टर साहब होती हैं उनकी बातें सुन रहा होता हूं मैं
सो यार एक बात जो मैं सोचा था, इतनी इंटरेस्टिंग सी बात है. ऑब्वियसली एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली, एक मेमन फैमिली, और जब रसूमात का सिलसिला शुरू होता है तो हर घर की अलग अलग रसूमात होती हैं. सो लड़के वालों की अलग रसूमात, लड़की वालों की अलग रसूमात. सो क्या क्या चीजें जो है, हमने अपनी रस्में कस्में सब बता दी थी एक दूसरे को. अच्छा. हमारी यहाँ ये रस्म है, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है. उसके बाद तीन चार अलग से नई रस्में निकाल के ले आया अपनी ये घर से. अच्छा, जो बाकी शहरों में लोग देख रहे हैं उनको मैं ये बताऊं, जो कराची में रहते हैं वो तो वाकिफ हैं इस चीज़ से. मेमनों में ये बड़ा ट्रेंड होता है, ये जो अभी रासड़ा जिसे कहते हैं ये, जिसे हम डांडिया कहते हैं, गरबा गरबा, और ये बहुत सारे इस तरह के इसके नाम है पंजाब में. भंगड़ा ये तो कॉमन है ना, अब सब डांडिया तो सभी सभी खेलते हैं, सब करते हैं, सब खेलते हैं. हमने भी हमारे बच्चों में डांडिया खेला है. अच्छा, रस्म है और ये वो, चलो वो तो दीगर बातें हैं. जुबान की जैसे तुमने बताया कि बाकी एडजस्ट होना एक गैर जुबान, तो हम तो यही मैसेज देते हैं ना फैसल, बिल्कुल, कि पठान उर्दू स्पीकिंग से करे, उर्दू स्पीकिंग पठान से करे, सिंधी माजी से करे, उसे यही हमने देते हैं. बिल्कुल. तो हम उस पर बामल नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो हमने बोला नहीं, जुबान नहीं, कलमा गो है अल्लाह हर. कोई ऐसी रस्म हुई हो, कोई ऐसी रस्म जिसपे मतलब हमारी बच्ची जो है इसने कहा होगा ये क्या हो रहा है. हाँ, कोई ऐसा कुछ था, कोई ऐसी रस्म, ये बस ठीक है हो रहा है जो हो रहा है, या तुमने कोई ऐसी, कोई ऐसी चीज हुई हो जो तुमने कहा होगा. अंगूठी डाल के उसे ढूंढना था. अच्छा. तो उसमें ये था कि तीन चार अंगूठी थी जो रुखसार की थी. अच्छा. तो उसमें दूसरे लोग भी डालने लगे ना. ये फेस्टिवल होता है एक छोटा सा घरों में, और ये लोग इसी तरह से आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं. मेरा मानना पता है क्या, बेटियों को हंसी हंसी रुखसत करना चाहिए, बोझ समझ के नहीं. मैं सारे फंक्शंस किए, मैंने खूब धूमधाम से फंक्शन सारे किए, फंक्शन भी रखा, ये भी मेहंदी भी, दो दिन फंक्शन रखा. मतलब बेटी को लगता है कि हमको पता नहीं, रोते हुए भेज देते हैं. बेटे की शादी तो बहुत नाचते हैं, तो ये गलत है. शॉपिंग इन्होंने बताया, शॉपिंग इन्होंने खुद की. अरे भाई, मैंने जो दिए थे ना जोड़े बहनों को, वो तक मैं लाया हूँ, वो उसके साथ ये बीवी गई है थोड़े से उसमें, यहाँ पे साथ 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 साथ. मेरे में अगर मीटर लगा होता ना फैसल, को 3-4 लाख रुपए तो बन जाते. इतना चलाओ. लाला, आपकी क्या कंडीशन थी? सेम बस, और क्या वही बताया. ये लोग बोलते जाते थे ये लेना है, वह ले लो बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है. अच्छा. अल्लाह, हाँ, देने वाला अल्लाह के आसरे पे बस होता रहा. खर्चे तो इतने माशाल्लाह, जब बंदा शादी करता है ना, तो आजकल ये जो लोग कहते हैं कि जी लड़की की शादी में ज्यादा पैसे लगते हैं लड़के के कम, मैं समझता हूँ सब बेकार बातें. लड़की की हो या लड़के की, पैसा लगता ही है. तो लड़के का तो महंगाई भी, महंगाई भी. फिर लड़के का क्या होता कि मैंने तो ये शादी की तो साथ में मैंने घर भी बना लिया. वो कहते या तो शादी कर लो या घर बना लो. उसका रूम बनाया तो वो कह रहा है उनका पूरा असद का रूम, उसका मतलब बाथरूम ये वो. फिर साथ मैंने कहा तोड़ो बनाओ नए सिरे से, फिर वो बना, फिर शादी. सेठों की तरह बोलता हूँ. अल्लाह है, अल्लाह ने कर, अल्लाह भरोसे काम करो. मेरा ईमान है, मेरे जिंदगी में जितने भी काम किए ना, अल्लाह तवक्कल किए. अच्छा. और अल्लाह ने बेड़ा पार किया. लेकिन झगड़ा किस बात पे हुआ? वही आलू. एक आलू दे दिया, दूसरा क्यों मांग रहा भाई? हमने हिसाब से पकाया था. आजकल के दौर में तो ये है ना कि ये इन लोग के रिश्ते होते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, फोन पे भी बात हो रही है एक दूसरे की, या तकरीब में भी चले गए. हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था. खुदा की कसम, ये घूंघट उठाया ना जब मुझे पता चला कि यार मेरी कमेटी काम आ गई. भाई, हमें तो पता ही नहीं था. अल्लाह का आग्रह में होते थे, आगे उठे या अल्लाह को अच्छा सामान निकले, ये उठाया अंदर से निकला. अच्छा, उस दिन तुम कुछ और कह रहे थे. क्या कह रहा था? डूब गई रकम, ये कह रहा था. हाँ, नहीं नहीं ना करो ये बात है. नहीं नहीं, भाभी सही बता रहा हूँ. खुदा को मानो. कॉमेडी में आपको पता नहीं औरतों के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं. ये बेकार की बातें कर रहे हैं आप, इनके मामला में ना बोलना. आइए, खबर नहीं. पहले के जमाने में शादी होती थी ना, तो कहते मेरी लड़का कहता मेरी शादी हो रही है, कहता तू पहला आदमी जो अपनी सुपारी देके खुश है. सर, आप कुछ कहना चाह रही हैं शिकित भाई से, अपने अब्बा से, तो कहिए. क्या कुछ कहना चाह रही हैं?
नहीं, मैं बस यही कहूँगी कि जिस तरीके से पापा ने बचपन से ख्याल रखा है हम लोगों का, सब बहन भाइयों का, और मेरा भी जो मांगा हम लोगों को उन्होंने दिया, हर एक ख्वाहिश पूरी की, और माशाल्लाह से ससुराल वाले भी मेरे बहुत अच्छे हैं। लगते ही नहीं है, लगता ही नहीं है मुझे कि मेरे ससुर है, मेरी सास है, माँ बाप की तरह ये भाई बहन है सब। असल पापा वो है, कोई पापा। एक रुखसार आइए ना, एक प्रॉब्लम हमारे लिए है रुखसार से, कि हम लोग मतलब गोश्त खाने वाले लोग हैं, ये प्योर वेजिटेरियन है। अब राज बनी अकनी, अपनी अकनी बनती है ना मेमनों की, अकनी बनी मछली की, मछली ये नहीं खाती, गोश्त ये नहीं खाती, मुर्गी ये नहीं खाती, कहती पापा रोज दाल, मैं घर है जेल है, मैं रोज दाल खाऊंगी। मैंने कहा चलो फिर हाँ, उसको ग्रेवी खा लेती है। सफर शुगर, देखो सफर शुगर के साथ रहने वाली, 6 महीने लग जाए शकील देख लेना, माशाल्लाह सब खाएगी अल्लाह का। यार ये क्या कर रहा है, तो हमने इतने मुश्किल से तो छुड़ाया था, खाएगा छुड़ाया। वो यहाँ हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है गोश्त पकता है ना, तो गोश्त तो खाएगी। ये देख क्या मतलब, उसके घर नहीं पकता, हमारे यहाँ सिर्फ जिक्र होता है। दाल पकी दाल, हमारे यहाँ सिर्फ जिक्र होता है। शकील क्या देखो, मैं तुम्हें बताऊँ, शकील क्या मुर्गी पकेगी साथ में दाल, बिरयानी बनेगी साथ में दाल। अल्लाह की कसम मैं झूठ बोलूं, मैं दाल चावल का शौकीन हूं बहुत। अच्छा कल वो बनी बट बनी साथ में दाल, मैं दाल चावल के बगैर नहीं रह सकता। भाभी ने पुलाव बनाया साथ में दाल, इतनी बड़ी पुलाव नहीं करते, मगर बिरयानी का कह रहा था दाल में दाल। घर में मेरा जब मेरा क्या है कि मेरी वजह से इसको जो ना बेचारी को 2 डिश पकानी पड़ती है, मतलब घर वालों के लिए अलग मेरे लिए अलग, मैं दाल चावल के बगैर रह नहीं सकता। अरे वाह, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मोइन भाई, हम जाते थे अमेरिका, मोइन भाई और मैं गए जब फर्स्ट टाइम 90 मैंने बता रहा हूँ, बड़ा मजे का वाक्य है। तो प्रमोटर आया हमसे पूछने लगा ना, बड़े आर्टिस्ट थे, तो हमसे पूछे मोइन भाई आप लोग क्या खाएंगे, तो हमने कहा हम दाल चावल पापड़। यार कॉमेडी यहाँ तो नहीं करे यार, प्लीज़ बताए ना क्या खाएंगे, मतलब कसम से हम यही खाएंगे भाई। तो हम वहाँ भी दाल चावल पकवा रहे थे अमरीका में, उस ज़माने में जख्मी रोटी आया था पिज़्ज़ा, तो कौन सी रोटी, जख्मी रोटी कहता ना उसको, ऐसा लगता चोट लगी हुई पता नहीं अजीब सी। तो ले आए वो, उस जमाने में पिज्ज़ा निकला था, तो हमारे प्रमोटर वो ले आए, वो समझे हम बहुत खुश होंगे, हमने बहुत सुनाई। मैंने मोइन भाई बाहर निकल भाई यहाँ से लेके, चल मोइन भाई कह रहे चल भाई वही दाल चावल लेके आ और कीमा। फिर मोइन भाई ने दाल चावल कीमा बनवाया, कीमा और चावल। दाल चावल खाए चलो, आदमी उसके साथ लवाजमत होनी चाहिए। मुझे तो वो सालन होता है ना लाला, और क्या होता है दाल चावल के साथ, दाल यार फिर वही दाल। हाँ तो खुद भी शौक से खाता है, मेरे घर आ गया दाल बिरयानी बनी, वो नहीं खा रहा दाल चावल खा रहा है। अभी अभी कल हम इंशाल्लाह ये हमारे यहाँ खीर पकाएगी पहला हाथ, मैं दाल चावल जरूर बनवा लेना। देखो इसको कोई कहेगा यार शकील दावत रखनी है तुझे क्या खाएगा, दाल बना ले। अगर हर शादी में दाल चावल बने ना, मैं हर शादी में जाऊँ। सुन ले भाई, सुन ले, ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादियों में शकील सिद्दीकी साहब आए तो आप खर्चा कम, लेकिन दाल की भी कीमत उसको नहीं पता बेचारे को। प्रोटीन है यार, प्रोटीन ये है। तो किसी शादी हॉल से बाहर निकल रहा हो ना, लोग जाएंगे नहीं, बोलेंगे वही दाल चावल होगा, ये आया यहाँ पे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मैंने तुझे देखा
अभी माशाल्लाह महीने में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ अभी तक? करा दे, बन जा अमेरिका, बन जा अमेरिका। मुबैसा कोई नहीं है, इरादा है इंशाल्लाह के झगड़ा हो। इंशाल्लाह झगड़ा कोई नहीं। तो कोई ऐसी आदत जो आपको कहोगे यार ये ऐसा तो नहीं होता यार, कोई ऐसी एक बात? कोई नहीं अब तक तो नहीं कहा। मतलब बाथरूम में गीला तौलिया छोड़ देना, वो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है उसके लिए। ये कि इशू नहीं बनाया किसी चीज पे भी। अच्छा, तो दोनों एक साथ जो है ना एडजस्ट मैनेज कर रहे हैं, मैनेज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बड़ा टाइम लगता है मैनेज करने में, क्योंकि यही चीजें होती है जो आपको जो है एडजस्ट करनी पड़ती है। बड़े भाई से कुछ आपने पूछा, कुछ सीखा कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं, किस तरह से मैनेज करूं? हां काफी चीजें बताई भाई ने, जो उसको लेके चल रहा हूं तो माशाल्लाह सही है अभी। ठीक सही है अभी, भाई को देखते हैं, भाई भाभी खुश रहते हैं तो क्या घर में वो क्या एक बड़ा अच्छा वो आया था ना नया कि वो खुश रहने की दुआ, घर में घुसते ही बीवी को कहना तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, हमेशा ऐसे कितनी पतली लग रही हो, आज कितनी खूबसूरत लग रही हो, आज बहुत अच्छी लग रही हो, और बीवी ने सामने से एक ही बात करनी है, लग रहा है आज लगा के आए हो बंदा, वही ठंडा तो फायदा क्या ये सही बात है, आप तारीफ कर दो खाम खा, आज तो बहुत अच्छी लग रही है जानू, बोले आप किसी को सुना रहे हो, मुझे नहीं कह रहे आप, है ना? ये हाँ टेंशन है। भाभी ने कहा कभी ये डायलॉग वाला मेरे सामने मत बोलो? नहीं यार ये बस मेरी जिंदगी है, मैं क्या बताऊं यार। हम लोग जाए क्या? बुरा फायदा देखो अल्लाह की कसम, बुढ़ापे में हम लोग दोनों की शक्लें भी मिलने लगी है। हाँ बेटा घर में भी ऐसी हरकतें करते बहुत, मैं मस्तियाँ बहुत करता हूँ। हाँ ये भाई ये अजीब एक काउंसलर जैसा इसका जिस्म है, कमीज उतार के पूरे घर में घूम रहा होता है। खुदाई कसम कहते हो व्हाट्सएप में, अबे कमीज पहन ले। आज से नहीं है, मेरी बचपन की आदत है और कभी भी नहीं मेरी, मतलब घर में बहुओं को भी सबको पता है कि मैं कभी पागल है। नहीं हूँ क्या फायदा, मतलब मलंग है? नहीं मलंग नहीं, मैं मरी में कोमरी में बर्फ गिर रही है बाहर, मैं सलवार पहन के बाहर निकल गया, मैं क्या हो गया क्या हो गया, मेरे भाई बर्फ गिरी है, मैं अच्छा संभाल के रखो। एक आदमी शुरू से नहीं, बाहर भी निकलता हूँ बट ठीक है कपड़े पहन लिए इसके, ये भाई इसकी बड़ी मेहरबानी कि बाहर जाते कपड़े पहन लेते हैं। हाँ। पहन लिए शुक्रिया, शो पे मत आइएगा वैसे, कसम खुदा की कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोगों को उल्टियाँ लग जाएंगी हंस के इसको देख के ही। अभी मैं ईद का ड्रामा किया था ड्रामा, अब आप बताओ कितना दुनिया का खूबसूरत तरीन हीरो है सलमान खान, ये बना हुआ था, मैं सलमान खान बना था और वो अपना वो सुल्तान फिल्म का एंड का सीन था जो कुश्ती होती है, तो मैं कुश्ती शकील मेरे साथ था और मैं खुदा के वास्ते बनियान पहन ले, औरतें भी आई हैं सलमान खान के सिक्स पैक, इसका वन पैक या फैमिली पैक? नहीं वन पैक। बस बोर मत करें। नहीं बोर नहीं, वो कह रही है चेक का क्या? मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मैं चाहे चेक दे। टॉपिक मामा की है। मुझे बाइक चाहिए, मैं एक एक बात सारे बच्चों से कुछ। हाँ बिल्कुल। विशेष जो है नई शादीशुदा जोड़े के लिए हम चाह रहे हैं कि एक एक यहाँ से अगर यहाँ पे अगर यहाँ से पहले शुरू करते हैं वहाँ से आखिर से विशेष अमांग से। बस यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें और अपनी लाइफ एंजॉय करें, अभी जो मोमेंट है उसको जिए और आगे जो होगा इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा, सब अच्छा होगा। विश यू गुड लक। ओके थैंक यू। रुखसार तुम मेरी बहन जैसी हो और हमेशा हम बहनें बन के रहेंगे और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। इसकी भी एक साल बाद है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये कहना चाहती हूँ दोनों हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, और तुम मेरी बहन हो और हमेशा मेरी बहन रहो। ये तो मेरा भाई है ही लेकिन ये भी बहन है एक तरीके से देखा जाए तो, और इन लोगों को मैं भी विश यही करूँगा कि हमेशा खुश रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की बातों को कोई ऐसी बात झगड़े वाली ना आने दें अपने अंदर, और खूब करें एक साथ और खुश रहो हमेशा। आप क्या आप जुबान घर पे रख के आई
शर्म है, दुआ दुआएं दे रहे हैं। क्या जूते का पतावा डाल लिया? नहीं नहीं, सीधी औरतें होती है ना, यही प्रॉब्लम होता है। हाँ तो टेढ़ी से करता है ना, फिर पता लग जाता है। बोलने दोनों मिलके रहे बस। कितना अच्छा बोला भाभी ने, जैसे मैं भी ख्याल रखती है ऐसे ये भी रखती है मेरा ख्याल। आपका ही ख्याल रखना चाहिए। अब उधर आप भी बोलोगे? ये इतना ना बोल चाहिए। इतना तो बोला है, अभी और भी बोलो। बोल अभी आखिर में बोलना ना, पहले बच्चों को सुनो जरा। जी वहां से शुरू करेंगे, कॉर्नर से। कौन है? हां भाई, ऑर्गेनाइजर बैठा हुआ है। बोलो ना। फातिमा को माइक दे दिया, गिर जाएगी वो। वो माइक से ज्यादा वजन उसका है, माइक का है। बोलो। आपने भाई को बोलना है, भाई के लिए, असद के लिए बोल दो। असद भाई खुश रहे, आप भी खुश रहे और उनको भी खुश रखिएगा। उसे भी दे दो। अरे लड़के क्यों शर्मा रहे हैं यार? बोलो असद भाई खुश रहे। असद भाई खुश रहे। असद भाई खुश रहे। और घर में पता है क्या, घर के अंदर सबसे बड़ा कॉमेडियन वो है। ऐसी बात करेगा रुखे मुंह सर, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। लेरी साहब वाला अंदर। हां जी बेटा, अल्लाह दोनों को खुशियां नसीब करे, दोनों ऐसे हमेशा खिलखिलाते रहे, हंसते रहे। आमीन। अजान को दो। क्या बोला? बोला खुश रहो, खुश रहो। और मैं इतना ही बोलूंगा, आप बेच विशेष का देनी, जब तोहफे बहन ही देती है, बस उसका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो यार। सही है जी भाभी, बोल दो, दुआ दे दो असद को। और क्या बस मैं दुआएं दे सकती हूँ, असद तुम भी खुश रहो और मेरी बेटी को भी खुश रखना, और रुखसार मैं तुमसे कहती हूँ तुम सब घर वालों को खुश रखना। ठीक जी, गुस्सा चढ़ गया है। अच्छा मैं कह देता हूँ भाई, जैसे लाला ने कहा कि रुखसार उसकी बेटी है तो असद मेरा बेटा है उस हिसाब से, और मुझे इतना मालूम है असद के अंदर कोई, आजकल के लड़कों के हिसाब से जैसे लड़के मार्केट में आ रहे हैं, हमें सच बता रहा हूं, चाइना में बन रहे हैं क्या? नहीं, मार्केट में जो बच्चे आ रहे हैं किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल सादा बच्चा है। और ऐसे बच्चे लाला को, लाला की भी खुशनसीबी है और मेरी भी कि हमें ऐसा दामाद मिला। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला से कि खूब तरक्की करो, आमीन, खूब फलो फूलो, और तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही रहें, ज़िंदगी में कोई दुख करीब ना आए, और ज़िंदगी के हर शोबे में तुम दोनों कामयाब रहो और खुश रहो। शकील भाई अच्छी दुआ करवाते हैं, बहुत अच्छी। इसको तो दे दे यार, तेरा माइक लगा हुआ है, माइक है तेरे पास? एक और भी है, एक आदमी सब यूं यूं कर रहे हैं, मैं ना करूं। माशाल्लाह मैं तो जिस इस वक्त जितने भी मुझे देखने वाले टीवी पे लोग देख रहे हैं जो, या हॉल में जो देख रहे हैं, और ये मेरी बेटी और ये मेरी बेटी, असल बेटियां जो होती है ना ये बवे होती है। जब आदमी का आखिरी वक्त आता है, चाहे वो सास ससुर हो कोई भी हो, उस वक्त बेटियों को तो बुलाया जाता है, लेकिन सिरहाने पर जो खड़ी होती हैं यही बेटियाँ होती हैं, बवे होती हैं, जिनका आखिरी गिलास आदमी पीता है पानी का, ये क्या बोलते हैं, लेकिन ये कि यही अच्छा खुशी का मौका है। रुलाएगा पगले? नहीं मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो ये असल बेटियाँ ये होती हैं, ये वो पराये धने चली जाएंगी, फोन करेंगे तो बुलाएंगे ना, ये असल बेटियाँ हैं मेरी, और मैं खुश नसीब हूँ। रिपीट में लग गया कि अल्लाह ताला ने मुझे दोनों बहुएं इतनी अच्छी दी हैं माशाल्लाह से, कि मैं दुनिया को हंसाता हूँ ये मुझे हंसाती है। अरे वाह, कुछ बोल। मैं बस यही कहूँगा कि भतीजी है, हाँ बिल्कुल, खुश रहें हमेशा, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, और अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश खुर्रम रखे, कामयाब करे ज़िंदगी के हर लम्हे में। और जितने भी वो जोड़े जो रिसेंटली ब्याए गए हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, और जो परेशानियाँ हैं वो सब ख़त्म हो। हम सब की यही दुआ, खुशी का मौका है, मैं कुछ और नहीं कहना। तुम कुछ कहना चाहते हो अपनी बेगम से? मैं कह चुका हूँ और वो पूरा कर भी चुकी है, माशाल्लाह सबका ख्याल रखती है, अच्छे से रहती है। ये पहले दिन से ही मतलब
ऐसे एडजस्ट हो गई है कि लड़कियों को टाइम लगता है, शर्म आती है, लेकिन ये फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। भी ये डर लगा रहता था कि ये माशाल्लाह जो है ना ये हाहू वाली बहुत है, हंसती रहती है, हंसाती रहती है। मैंने कहा पता नहीं वहाँ जाएगी, यही शुरू है, बोले भैया तो बहुत हंसाती है, हंसती है, मतलब हंसती बहुत है ये। अच्छा। किसी लाफ्टर चैलेंज शो में इसको जज बना दो, बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ रहे। बहुत सारी दुआएं इन दोनों के लिए, आप लोग भी कीजिएगा अगर आपको, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इन दोनों ने बहुत खिदमत की है अपने अपनी फील्ड में, और हमेशा आप लोगों को बहुत हंसाया है, ऐसे मौक़ों पर हंसाया है जब लोग रो रहे होते हैं। सो इन लोगों को भी याद रखिएगा, इनकी फैमिलीज़ को भी याद रखिएगा, उन तमाम लोगों को याद रखिएगा जो जो आप लोगों के लिए कहीं कहीं थोड़ा सा करते हैं। खुशी का मौका है। सो एंड भी आज हम कवाली से करेंगे, हमारे साबरी ब्रदर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि उन्हीं से इख्तिताम किया जाए। मुझे इजाज़त दें, कल आपसे मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बलखा के पी गया लहरों से खेलता हुआ, लहरा के पी गया बगैर इज़्म, ये कब थी मेरी मजा, दर पर था चश्मे यार की शैपा के पी गया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर, तालियां मिलके, हल्का 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 सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया, ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया,
ससुर गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो, ये तेरे काजल का रंग हुआ था और मेरी आंखों के संग, गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था प्यासा, हाँ मैं याद करो, सका शानों से जब आंचल गिरा, गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो, मैं कुछ कहना सका शानों से जब आंचल गिरा, गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था प्यासा, हाँ मैं याद करो, सुन लो जरा गोरी तुम शर्मा के थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन याद करो, हो मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था प्यासा, था मैं याद करो, शवाने वाले enjoy आया, हाफिज खुदा तुम्हारा आया, फुल सेट, सब सही डांस किया सब ने, है ना, आई नो तीन डंडियां टूट गई, ना गाने नहीं सुन रहा, हमारी जो डायरेक्टर है उनकी बात सुन रहा होता, गाने नहीं सुन रहा क्या कर उसने मेरा हेडफोन उतार दिया, मैंने गाने नहीं सुन रहा, मैं जो हमारी डायरेक्टर साहब होती हैं उनकी बातें सुन रहा होता हूँ मैं। सो यार एक बात जो मैं सोचा था, इतनी इंटरेस्टिंग सी बात है, ऑब्वियसली एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली, एक मेमन फैमिली, और जब रसूमात का सिलसिला शुरू होता है तो हर घर की अलग अलग रसूमात होती हैं, सो लड़के वालों की अलग रसूमात, लड़की वालों की अलग रसूमात, सो क्या क्या चीज़ें जो है, हमने अपनी रस्में कस्में सब बता दी थी एक दूसरे को, हमारी यहाँ ये रस्म है, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है, उसके बाद तीन चार अलग से नई रस्में निकाल के ले आया अपनी ये घर से। अच्छा, जो बाकी शहरों में लोग देख रहे हैं उनको मैं ये बताऊं, जो कराची में रहते हैं वो तो वाकिफ हैं इस चीज़ से, मेमनों में ये बड़ा ट्रेंड होता है, ये जो अभी रासड़ा जिसे कहते हैं, ये जिसे हम डांडिया कहते हैं, गरबा और ये बहुत सारे इस तरह के इसके नाम है पंजाब में, ये तो कॉमन है ना, अब सब डांडिया तो सभी खेलते हैं, सब करते हैं, सब खेलते हैं, हमने भी हमारे बच्चों में डांडिया खेला है। अच्छा, रस्में और ये वो, चलो वो तो दीगर बातें हैं, जुबान की जैसे तुमने बताया कि बाकी एडजस्ट होना एक गैर जुबान, तो हम तो यही मैसेज देते हैं ना फैसल, बिल्कुल, कि पठान उर्दू स्पीकिंग से करे, उर्दू स्पीकिंग पठान से करे, सिंधी माजी से करे, उसे यही हमने देखा, बिल्कुल, तो हम उस पर बामल नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, तो हमने बोला नहीं जुबान नहीं, कलमा गो है अल्लाह हर, कोई ऐसी रस्म हुई हो, कोई ऐसी रस्म जिसपे मतलब हमारी बच्ची जो है इसने कहा होगा ये क्या हो रहा है, हाँ कोई ऐसा कुछ था, कोई ऐसी रस्म, ये बस ठीक है हो रहा है जो हो रहा है, या तुमने कोई ऐसी चीज हुई हो जो तुमने कहा होगा, उसमें ये था कि तीन चार अंगूठी थी जो रुखसार की थी, अच्छा तो उसमें दूसरे लोग भी डालने लगे ना, तो मैंने बोला मैं अपनी वाइफ की ढूंढूं या दूसरों की ढूंढूं उसमें, तो ये कि फिर ढूंढ ली थी ढूंढ ली थी क्या बात, जीत गया था,
ये फेस्टिवल होता है एक छोटा सा घरों में और ये लोग इसी तरह से आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं मानना पता है क्या, बेटियों को हंसी हंसी रुखसत करना चाहिए, बहुत समझ के नहीं। मैं सारे फंक्शंस किए, मैंने खूब धूमधाम से फंक्शन सारे किए, फंक्शन भी रखा, ये भी मेहंदी भी, दो दिन फंक्शन रखा। बता बेटी को लगता है कि हमको पता नहीं रोते हुए भेज देते हैं, बेटे की शादी तो बहुत नाचते हैं, तो ये गलत है। शॉपिंग इन्होंने बताया, शॉपिंग इन्होंने खुद की। अरे भाई मैंने जो दिए थे ना जोड़े बहनों को, वो तक मैं लाया हूँ, वो उसके साथ ये बीवी गई है। अच्छा। थोड़े से इसमें यहाँ पे सात 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 सात, मेरे में अगर मीटर लगा होता ना फैसल को 3-4 लाख रुपए तो बन जाते। इतना चलाओ। लाला आपकी क्या कंडीशन थी? सेम बस, और क्या वही बताया। ये लोग बोलते जाते थे ये लेना है, वह ले लो बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है। अच्छा। अल्लाह हाँ देने वाला, अल्लाह के आसरे पे बस उतरा। खर्चे तो इतने माशाल्लाह, जब बंदा शादी करता है ना तो आजकल ये जो लोग कहते हैं कि जी लड़की की शादी में ज्यादा पैसे लगते हैं लड़के के कम, मैं समझता हूँ सब बेकार बातें। लड़की की हो या लड़के की, पैसा लगता ही है। हाँ। लड़के का महंगाई भी, फिर लड़के का क्या होता कि मैंने तो ये शादी की तो साथ में मैंने घर भी बना लिया। वो अच्छा। कहते या तो शादी कर लो या घर बना लो। उसका रूम बनाया तो वो कह रहा है उनका पूरा असद का रूम, उसका मतलब बाथरूम ये वो, फिर साथ मैंने कहा तोड़ो बनाओ नए सिरे से, फिर वो बना, फिर शादी सेटों की तरह बोलता हूँ। अल्लाह है, अल्लाह भरोसे काम करो। मेरा ईमान है, मैंने जिंदगी में जितने भी काम किए ना अल्लाह तवक्कल किए। अच्छा। और अल्लाह ने बेड़ा पार किया। लेकिन झगड़ा किस बात पे हुआ? वही आलू, एक आलू दे दिया दूसरा क्यों मांग रहा भाई है? हमने हिसाब से पकाया था। आजकल के दौर में तो ये है ना कि ये इन लोग के रिश्ते होते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, फोन पे भी बात हो रही है, एक दूसरे की तकरीब में भी चले गए। हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था। खुदा की कसम ये घूंघट उठाया ना जब मुझे पता चला कि यार मेरी कमेटी काम आ गई भाई। हमें तो पता ही नहीं था, अल्लाह का आग्रह में होते थे आगे उठे या अल्लाह को अच्छा सामान निकले, ये उठाया अंदर से निकला। अच्छा उस दिन तुम कुछ और कह रहे थे। क्या कह रहा था? डूब गई रकम, ये कह रहा था। हाँ नहीं नहीं ना करो ये बातें। नहीं नहीं भाभी सही बता रहा हूँ, खुदा को मानो। कॉमेडी में आपको पता नहीं औरतों के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। ये बेकार की बातें कर रहे हैं आप, इनके मामला में ना बोलना बाबा। खबर नहीं, पहले के जमाने में शादी होती थी ना तो कहता मेरी लड़का कहता मेरी शादी हो रही है, कहता तू पहला आदमी जो अपनी सुपारी देके खुश है। सर आप कुछ कहना चाह रही हैं शिकित सर भाई से, अपने अब्बा से, तो कहिए क्या कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं मैं बस यही कहूँगी कि जिस तरीके से पापा ने बचपन से ख्याल रखा है हम लोगों का, सब बहन भाइयों का। हाँ। और मेरा भी जो मांगा हम लोगों को उन्होंने दिया, हर एक ख्वाहिश पूरी की। और माशाल्लाह से ससुराल वाले भी मेरे बहुत अच्छे हैं, लगते ही नहीं है इस बात को। लगता हाँ। ही नहीं है मुझे कि मेरे ससुर है, मेरी सास है, माँ बाप की तरह, ये भाई बहन है सब। अच्छा पापा वो है कोई बड़ा पापा। एक रुखसार आइए ना, एक प्रॉब्लम हमारे लिए है रुखसार से कि हम लोग मतलब गोश्त खाने वाले लोग हैं, ये प्योर वेजिटेरियन है। ठीक है। अब रात बनी अकनी, अपनी अकनी बनती है ना मेमनों की, अकनी बनी मछली की, मछली ये नहीं खाती, गोश्त ये नहीं खाती, मुर्गी ये नहीं खाती, कहती पापा रोज दाल। मैं घर है जेल है, मैं रोज दाल खाऊंगी। मैंने कहा चलो फिर आ, उसकी ग्रेवी खा लेती है। सफर शुगर, देखो सफर शुगर के साथ रहने वाली छह महीने लग जाए, शकील देख लेना माशाल्लाह सब खाई जल्ला यार दुण। ये क्या कर रहा है तो हमने इतने मुश्किल से तो छुड़ाया था, खाएगा छुड़ाया। वो यहाँ हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है गोश्त पकता है ना, तो गोश्त तो खाएगी। ये देख क्या मतलब उसके घर नहीं पकता, हमारे यहाँ सिर्फ जिक्र होता है। दाल पकी दाल दाल, हमारे यहाँ सिर्फ जिक्र होता है। शकील क्या देखो मैं तुम्हें बताऊँ, शकील क्या मुर्गी पकेगी साथ में दाल, बिरयानी बनेगी साथ में दाल। बाकी अल्लाह की कसम मैं झूठ बोलूं, मैं दाल चावल का शौकीन बहुत। अच्छा कल वो बनी बट बनी साथ में दाल। मैं दाल चावल के बगैर नहीं रह सकता। भाभी ने पुलाव बनाया साथ में दाल।
मेरी वजह से इसको जो ना बेचारी को दो डिश पकानी पड़ती है, मतलब घर वालों के लिए अलग मेरे लिए अलग। मैं दाल चावल के बगैर रह नहीं सकता। अरे वाह, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मोइन भाई, हम जाते थे अमेरिका, मोइन भाई और मैं गए जब फर्स्ट हम 90 मैंने बता रहा हूँ, बड़ा मजे का वाक्य है। तो प्रमोटर आया हमसे पूछने लगा ना, बड़े आर्टिस्ट थे तो हमसे पूछे, मोइन भाई आप लोग क्या खाएंगे? तो हमने कहा हम दाल चावल पापड़। क्या यार कॉमेडी यहाँ तो नहीं करे यार, प्लीज़ बताए ना क्या खाएंगे। मतलब कसम से हम यही खाएंगे भाई। तो हम वहाँ भी दाल चावल पकवा रहे थे अमरीका में। उस जमाने में जख्मी रोटी आया था पिज्ज़ा। तो कौन सी रोटी? जख्मी रोटी कहता ना उसको, ऐसा लगता चोट लगी हुई पता नहीं अजीब सी। तो ले आया वो, उस जमाने पिज्जा निकला था। तो हमारे प्रमोटर वो ले आए, वो समझा हम बहुत खुश होंगे, हमने बहुत सुनाई। मैंने मोइन भाई बाहर निकल भाई यहाँ से लेके, चल मोइन भाई कह रहा चल भाई वही दाल चावल लेके आ और कीमा। फिर मोइन भाई ने दाल चावल कीमा बनवाया। कीमा और चावल, दाल चावल खाए चलो आदमी, उसके साथ लवाजमत होनी चाहिए। मुझे तो वो सालन होता है ना लाला, और क्या होता है दाल चावल के साथ। दाल यार फिर वही दाल। हाँ तो खुद भी शौक से खाता है, मेरे घर आ गया दाल बिरयानी बनी वो नहीं खा रहा, दाल चावल खा रहा है। अभी अभी कल हम इंशाल्लाह ये हमारे यहाँ खीर पकाएगी पहला हाथ। मैं दाल चावल जरूर बनवा लेना। इसको कोई कहेगा यार शकील दावत रखनी है तुझे, क्या खाएगा? दाल बना ले। अगर हर शादी में दाल चावल बने ना, मैं हर शादी में जाऊँ। सुन ले भाई, सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादियों में शकील सिद्दीकी साहब आए तो आप खर्चा कम, लेकिन दाल की भी कीमत उसको नहीं पता बेचारे को। प्रोटीन है यार, प्रोटीन। ये तो किसी शादी हॉल से बाहर निकल रहा हो ना, लोग जाएंगे नहीं, बोलेंगे वही दाल चावल होगा, ये आया यहाँ पे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। माशाल्लाह महीने में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ अभी तक? करा दे, बन जा अमेरिका, बन जा अमेरिका। मुबैसा कोई नहीं, एक मेरे इरादा है इंशाल्लाह के झगड़ा हो। इंशाल्लाह झगड़ा कोई नहीं। तो कोई ऐसी आदत जो आपको कहोगे यार ये ऐसा तो नहीं होता यार, कोई ऐसी एक बात कोई? नहीं अब तक तो नहीं कहा। मतलब बाथरूम में गीला तौलिया छोड़ देना, वो अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है उसके लिए। ये कि इशू नहीं बनाया किसी चीज पे भी। अच्छा, तो दोनों एक साथ जो है ना एडजस्ट मैनेज कर रहे हैं, मैनेज कर ले कोई मसला नहीं है। बड़ा टाइम लगता है मैनेज करने में, क्योंकि यही चीजें जाती हैं, यही चीजें होती है जो आपको जो है एडजस्ट करनी पड़ती है। बड़े भाई से कुछ आपने पूछा, कुछ सीखा कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं, किस तरह से मैनेज करूं? हां काफी चीजें बताई भाई ने, जो उसको लेके चल रहा हूं तो माशाल्लाह सही है अभी। सही है अभी, भाई को देखते हैं भाई भाभी खुश रहते हैं। तो क्या घर में वो क्या एक बड़ा अच्छा वो आया था ना नया, कि वो खुश रहने की दुआ घर में घुसते ही बीवी को कहना तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, हमेशा ऐसे कितनी पतली लग रही हो, आज कितनी खूबसूरत लग रही हो, आज बहुत अच्छी लग रही हो,
और बीवी ने सामने से एक ही बात करनी है, लग रहा है आज लगा के आयो बंदा वही था तो फायदा क्या ये सही बात है। आगे जी सेना चला के बोले, सेना चला के बोले, सेना चला के बोले, चला के बोले, सेना चला के बोले, नैना मिला के सेना चला के बात अघम कहती नीले मुझसे नैना मिला के बले बले जा बल बल जाऊ नीरे गारे सा नीरे गारे सारे सा नीरे गारे सा नीरे गारे सारे सा नीरे गारे सारे सा नीरे गारे सा गरे गरे सारे सारे गारे सारे फैसल भाई बल बल जाऊं मैं प्रेम बटी का बल बल जाऊं मैं तोरे रंगीरे जीवा मैं तोरे रंगीरे जीवा मैं क्यों अपनी सी मोहे अपनी सी सोना अपनी सी रंगी दे नीले मुझे ना मिला के अपनी सी रंगी दे नीले मुझे ना मिला के अपनी सी रंगी दे नीले मुझे ना मिला के अपनी सी रंगी दे नीले मुझे हरी हरी चूड़ियां जी गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी गोरी भैया पकर भैया पकर हरे दी मुझे नैना मिला के भैया हरे मेरे नैना मिला के मिला गे मिला गे रे जाम के बल बल जाइए वाके बल बल जाइए वाके बारी बारी जाइए वाके बारी बारी खुश रोने जाम के ने जाम के बल बल जाइए खुश रोने जाम के बल बल जाइए वाके बारी बारी जाइए वाके बल बल जाइए वाके बल बल जाइए वाके खुश रोने जाम के बल बल जाइए मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिला के मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना रे नैना ये हमारे मुल्क का फखर है। हमने नहीं गाया था, आपने गाया था, आपके लिए ताली होनी चाहिए। इतनी सी है रिदम में माशाल्लाह। अच्छा पता है क्या, अब अल्लाह पढ़ा के भेजता बच्चे, हम आके पढ़े थे। अच्छा टाइम कम है ना, अब बहुत तेज पढ़ा हुआ, मतलब 4 साल के बच्चे को पता है क्या अच्छा क्या बुरा है। अच्छा मुझे ये बताएं, बच्चों में सबसे ज्यादा दोस्ती किससे रही है? मेरी मेरी दोस्ती भी है और ये मुझसे डरते भी बहुत है। लेकिन एक होता है ना जिससे ज्यादा दोस्ती होती है, इससे ज्यादा है। अच्छा हाँ, ये जो है ना ये घर के अंदर एक एटम बम है। ऐसा है? ये ऐसी बिदक जाए अगर। अच्छा फिर समझ लो, छोड़ो छाछे छोड़ो, चलो छोड़ो, यूं करना पड़ता है।
चलो मैं भी गुस्सा खत्म करता हूं। नहीं मैं तो खैर होता ही, मैं बच्चों को बहुत होता हूं तो बहुत होता हूं, नहीं तो अवॉइड करता। ये है सारा दिन ये लगी रहती। अच्छा, इसकी आवाज आती रहती। जाहिर सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। लाला आपकी दोस्ती क्या हो गया? खत लिखना बैठा हूं यहां, मुंशी बनिया मुंशी। मैं कहा ये भी चश्मे पहनता, मैं भी पहन के देखूं कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं। शर्मा के बोले सही लग रहे हैं। ये अपने माइक का है? नहीं, वो उसके प्लास्टिक के हैं। मेरा बच्चा ऐसे ही गिरती है घर पे भी। ये दफा ऐसा बुरा गिरी थी, मैं मुझे अजीब हो गया था। मैं जी फैसल भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछा था बच्चों में ज्यादा दोस्ती खिला मेरी तीनों बेटों में से। मेरी अल्लाह का करम है कि तीनों से मैं दोस्त है तीनों ही मेरे। अच्छा। हाँ बिल्कुल दोस्तों की तरह। इनसे कोई मशवरा करना होता है तो अभी भी इनसे करता हूँ। अच्छा। तीनों के मशवरे लेता हूँ। मानता नहीं है, करता अपनी मर्जी की, लेकिन मशवरे सबके लेता हूँ। बिल्कुल पूछता सबको हूँ क्योंकि ये सब माशाल्लाह। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि सुजुकी ले लेते हैं, कोई गाड़ी ले लेते हैं छोटी। हाँ भाई क्या कहते हो? नहीं बड़ी ले लेते हैं, बड़ी ले लेते हैं, नहीं फला ले लेते हैं, नहीं ठीक है छोटी ले लेते हैं। तो फायदा ये वाला काम है। कोई होता है ना कभी ना कभी, ये आजकल की जनरेशन है, ये आपको मशवरे देती है, ये सब कंप्यूटर वाला काम है। ये बताते पापा आपने देखे इस तरह करना है आपको, लोग यूँ कंप्यूटर पे वेबसाइट पे नेट पे देखते हैं आपने। हाँ। ये काम डालें, ये करें, ये करता है कंप्यूटर पे मेरा काम। अमान करता है, ठीक है। ये आके अपना काम करता है कंप्यूटर पे। अच्छा। बाकी अपने अपनी मर्जी का मालिक है। ऐसा कोई इसका बहुत ही इसका कंप्यूटर भी काम करता है, इसका दिल भी काम करता है, इसका गुर्दा भी करता है, ये नहीं करता बस। कोई खास होता है ना ऐसा मशवरा जो लेना होता है, फिर वो मैं इनसे लेता हूँ, वाइफ से। यार सुननी पड़ती है। नहीं सुने, क्यों नहीं सुनेंगे? इसकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? आप ही सुनते हैं ये आपकी? नहीं सही 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 बताओ, सुनता हूँ। चश्मे वाली चुईया अभी शुरू हो जाते हैं सारे भाड़ में, गए काम पे आ जाओ यार। लो भाई इसका वाकया वाकया सुनो भाई। कोई वाकया नहीं यार, रुखसार क्या? रुखसार आई एक महीने से, रुखसार मेरे को दिखा अपने बेटा। मैं किसी किस्म का कोई झगड़ा कुछ किया कभी भी, कोई ऐसी बात मशवरा सबसे लेता हूँ ना, कुछ भी कर ले वो हमारी हो गई है। वो तुम्हारी है भाई, मैं तो शादी पे झगड़ा किस बात पे हुआ था? अबे एक आदमी से आलू मांग लिया चिड़के आलू पका ही नहीं है तो क्यों मांग रहा है भाई? साढ़े तीन चार बजे हम लोगों ने, भाभी बिचारी भूख से मरे जा रही है, आए पुलाव तो खोल दो, आए पुलाव तो खोल दो। मैं कहा पुलाव खोल दो, बांधा हुआ क्या भाई? पुलाव खाया साढ़े तीन बजे। अच्छा। माशाल्लाह इसने 300 आदमी की अपने दावत रखी थी, 450 आदमी इस टाइप के लोग आए जिनके यहाँ कान लगे हुए थे। खुदाई अजीब अजीब किस्म के लोग। हुआ क्या है कि एक के साथ तीन तीन लग के आ गए ना, आर्टिस्ट देखना वहाँ पे, अजीब अजीब लोग आ गए। अब जाहिर है उसी वक्त जो है हमने खाना है ना दो देगे, शकील ने बोला फटाफट बनवा, मजे की बात है डेढ़ देगे उसमें बच गई। अच्छा। हाँ मगर गलत तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि लोग हैं अभी रह गए, तो चंद आर्टिस्ट रह गए थे, तो मैंने बोला यार दो देग मंगवा लो अगर और लोग आ जाएंगे तो, डेढ़ देग बच गए। हुआ क्या है कि जो नए जो आए थे लग लग के उनका भी शुक्रिया ही अदा करूंगा, चलो मेरी बच्ची की शादी की खुशी में, चाहे फनकार देखने आए थे, ठीक है ना। एक तो गाड़ी वाला पता है क्या हमारे यार, आप लोगों के बड़े फैंस हैं आप लोग। मैं तुम्हें सच्चा वाक्य बता रहा हूं, लेते हैं आप लोग घर के सामने, मुझे पता है सुन घर के सामने से गाड़ी मेरी निकली है तो बीवी मियां से कह रही है, मेरे घर वालों ने सुना कि वहां कहां जाएंगे, यही रहते ना, मजा आ रहा है यहाँ पे, खाना खा चुके थे। अच्छा। यही रहते ना, यहाँ आर्टिस्ट वार्टिस्ट आएंगे, यहाँ फंक्शन चलेगा तो यही रहते हैं। तो मैंने कौन थे? बोले पता नहीं, हम भी नहीं। देखो ये चलते चलते गाड़ी इधर मोड़ दी उसने और उन्होंने कहीं और जाना था। ये वलीमे में हुआ है, वलीमे में एक फैमिली आई, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये शकील, अच्छा दो घराने चेंज, जबाने चेंज, तो मैंने कहा शायद ये फैमिली में शकील, लेकिन मुझे वो शादी के लोग ही नहीं लग रहे थे। वो आए मुझसे भी हाँ ना सलाम दुआ की ना ही लोग, वो आए अपनी मर्जी से अंदर चले गए।
मैं पीछे पीछे चला गया। मैंने कहा बात सुनना भाई, कहाँ जा रहे हो? उसने देखा कि ये तो बंदा आ गया पीछे, हम तो हाल देखने आए, हॉल देख के आए यहाँ बुक कराने के लिए। मैंने कहा देख लिया, चलो बाहर आ जाओ। ऐसे नहीं करते, पता है हमने भी अपनी एक एज में बड़ी मुफ्त की शादियां खाई हैं। नहीं नहीं वो तो ये धोनी का साथ देगा ना, मुफ्त वाले का। वो तो अभी हमने भी खाई है। मैं अभी किताब दे दो तुम्हें, वो लोग अभी तक खा रही हूं मैं। ये बात नहीं है, ऐसे घुस जाते थे शादी में। हम भी खाए, हम भी गए तंबू के नीचे से, गए खुदा की कसम। छोटे छोटे होते थे, मजा आता था। अरे मेरे को तो वो काम किया, अभी जाके ना दूल्हे वालों से मिल रहे, मुबारक हो हम लड़की वालों की तरह। और जब तक तंबू में चांस नहीं मिले ना घुसने का, उससे पहले है ना बंद दुकानों के लकड़ी से शीटर बजा रहे थे, कर जहाँ देखा कोई नहीं प्लुम नीचे से चले। आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या चीज कॉमन है घर में? घर में सब कुछ ही सेम है इन लोगों में। अच्छा, मुझे लग नहीं रहा कि मैं ससुराल गई हूँ, मुझे लग रहा है घर गई। घर में वही शैतानियाँ, वही शरारतें, वही बातें चल रही है, वही टाइमिंग खाने की, वही उठने की, सब कुछ वही है, सब ऐसा ही है, कुछ नया नहीं। लेकिन वो ये लोग आपस में जब मेमनी में बातें करते हैं कभी घर में समझ में आती है, लेकिन बोलना नहीं जाता मुझसे, कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, हाँ, फिर मैं अपनी बोली इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, फैसल ये खुद भी बहुत अच्छी जुगत करती है माशाल्लाह से, ऐसी ऐसी बातें करती है। रात को 3-4 बजे हम लोग हंस रहे होते ना, पड़ोसी सोच रहे थे यार ये लोग कोई पागल है, कौन लोग है इतना। सोचते तो सही है वो, है देख ले यार पागलों में वो आता, ब्लड में आता है ना। हाँ, वो तो कुछ भी कर लो। आप कबूतर, आपने कौवे के बच्चे को आप उड़ना नहीं सिखा सकते ना, वो तो उड़ा तो उड़ने कौन आता से है। बच्चे में लगता है सबसे ज्यादा शकील सिद्दीकी है मेरे। हाँ, यार वो उसका वो छोटा वाला, उसकी मैं बताऊँ 3.5 साल का था। अच्छा, उसको पता है कि मुझे पापा मारेंगे ना, और मैं पापा को बोलूंगा सबकी पिटाई होगी या डांट पड़ेगी, इसको पता है ये बात, इसको पक्का पता है कि मैं मुझे कोई छू नहीं सकता। अच्छा, झूठी भी शिकायत लगा देता है ये। आप गए थे ना, इन्होंने मुझे मारा, इसने मारा, इसने बैठे स्कूल में, मिस ने बोला अपने पापा को बुलाओ, हमने सेल्फी बनानी है। अच्छा, फोटो तो कह रहा मुझे 2 थप्पड़ मारो खुद ही आ जाएंगे। मतलब उसको पता, टेक्निकल पता है, मैं जाके शिकायत करूंगा मुझे मार पड़ी। बच्चे वाकई में देखे ना, मैं आपको बताऊ, वो अमान है ना पीछे बेटा मेरा बेटा, वो छोटा था तो वो एक दिन गाना गा रहा घर के अंदर, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे थे, एक में है तनहा थे बाकी सब पलटे हुए थे। ये समझो, और ये असद जो है ना, ये रोते रोते सोफे में चला गया, टांगे बाहर थी। तो ये क्या कह रहा छोटा था, कह रहा पप्पा, मैंने कहा कह रहा देखो गाड़ी ठीक कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है वैसे, इसमें भी है माशाल्लाह मेरे तमाम बच्चों में। अच्छा, हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा ह्यूमर सब में। और आज तो पाकिस्तान के हर शख्स में है, महंगाई ने कुछ अच्छा किया ना किया हो, ह्यूमर अच्छा कर दिया पब्लिक का, है ना। इन बच्चों में तो बहुत सब में है। ये शकील ने जो कहा ना कि आजकल अल्लाह मियां वहां से पढ़ा के सिखा के भेजते हैं, अभी इस बच्ची को क्या पता, 1.5 साल की बच्ची है, स्टेप को रिदम के साथ साथ वो दादा पान कैसे खाते है, सेम मुंह बनाती है, वो है भी मेरी कॉपी वो। हाँ भाई, दादा पान कैसे खाते हैं? हाँ, दादा पान कैसे खाते हैं यार? वो अपना काम करने दो, तुम अपना करो यार, छोड़ो उसको, वो मस्त है घूमने। दादू पान कैसे खाते हैं? छोटी सी बांदरी है बिल्कुल, वो अपना एंजॉय कर रहे। तो शादी जो है, हाँ, अब तुम भी करोगे तुम्हें पता लगेगा। कौन शादी करेगा? नहीं यार, घर में बच्चों के यार, इसको इतने चाहिए भाई। माशाल्लाह ये कारीगर लोग हैं, हीरो जितने भी है ना। अरे नहीं नहीं, फैसल तो अच्छा है, कैरेक्टर का अच्छा है, ये ऐसा नहीं है, हीरो है माशाल्लाह। हाँ, ये नहीं करेगा शादी, बस हो गई, ये काफी है। बात ये है कि ये इतना बड़ा फरीजा होता है बेटी रुखसत करना, और यकीन जानो 2 महीने तक मैं पैदल इतना चला हूँ, मैंने लाइफ में इतना नहीं चलाऊंगा मार्केट में, अपने जब से शोबिज में आया हूँ, मतलब आज 35 साल तो हो गए शोबिज में, मैं इतना कभी नहीं चलाऊंगा फैसल कार्ड तो, हर चीज खरीदारी, इसके सारे कपड़े मैं लेके आया हूँ अपनी पसंद से। अच्छा, ये इसको नहीं आना पड़ा, मेरी वाइफ को नहीं आना पड़ा, वो मैं इंडिया से लाया। तो इसकी पसंद थी नहीं थी? नहीं, इसको सब पसंद आई, मतलब मैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, आज मेरी शादी को 26 साल हो गए, मतलब हो गए, मतलब बेटी मेरी, बेटा मेरा, ये जितने बच्चे हैं, ये वाइफ,
इनके सबके कपड़े हस्तक में ही लाता हूँ। ये कैसी बात है, आज तक ये एक दफा शॉपिंग में गई थी ईद पे, उसके बाद इससे तौबा कर लिया, मुझसे अच्छी नहीं खरीदी जाती, क्योंकि ये कम भी तो कराती है ना। चलें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तुम ब्रेक इतना ले रहा है, लगता है ट्रक में बैठा हुआ है। आज ब्रेक दिया नसीबानाल ए कड़ियां तेरे सर नु सजाया डाटा फूल कलियां तेरे से बदलों में देखो कैसे चांद चमकता शर्माए मुस्कुराए मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए मुस्कुराए मन मेरा ये कहे रब से तू मांग लाऊं सताए तो मैं क्या करूं जी इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं कोई इतना तो आकर बता दे मुझे कोई इतना तो आकर बता दे मुझे अरे जब तेरी याद आए तो मैं क्या करूं कोई इतना तो आकर बता दे मुझे जब तेरी याद Yeah.
मचा दिया और दिल को ये कह कर के दम लगा दिया। आशिया जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, ये जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, और अब खुदा ही ना चाहे तो हो जाए। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा ही ना चाहे तो मैं क्या करूँ। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा ही ना चाहे तो मैं क्या करूँ। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा ही ना चाहे तो मैं क्या करूँ। और हुस्न और इश्क दोनों में तफरीक है, हुस्न और इश्क दोनों में तफरीक है, इश्क इश्क हुस्न और इश्क दोनों में तफरीक है। क्या करूँ मेरा दोनों पे ईमान है, क्या करूँ मेरा दोनों पे ईमान है। कर खुदा कर खुदा कर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूँ, कर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूँ। अरे ये सनम रूठ जाए तो मैं चाहता हूँ वो मुझको मिले, मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझको मिले। आशियाना जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, और अब खुदा ही न चाहे तो मैं जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा ही न चाहे तो मैं क्या करूँ। जो मेरा तेरी सूरत नहीं मिलती किसी की सूरत, मियाँ हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत जाने जा तेरी सूरत जाने जा तेरी सूरत जाने जा तेरी सूरत। कल चौदहवीं की रात थी शब पर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहाँ मौजूद थे हमसे भी वो पूछा किए, हम चुप रहे हम हंस दिए, अरे मंसूर था पर्दा तेरा तेरा। तेरी सूरत जाने जा तेरी सूरत जाने जा तेरी सूरत जाने जा तेरी सूरत जाने जा तेरी सूरत जाने जा। कल मैंने उनको दिया अपना आईना, आईना लेकर भी जालिम आईना, अरे आईना भी इन पर शैदा हो गया, अरे एक दुश्मन और पैदा हो गया। तेरी सूरत जाने जा तेरी सूरत जाने जा तेरी सूरत। और मैं ना जाता कभी मैं कदे की तरफ, ले गया इश्क तेरा मुझे खींच कर। मैं ना पीता कभी भी खुदा की कसम, मैं ना पीता कभी भी खुदा की कसम, अरे वो नजर से पिलाए। मैं ना पीता कभी भी खुदा की कसम, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं। मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी शराबी मैं शराबी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। और ये सुबह सुबह जो जमशेद भाई और नवीद भाई महफिल जमा देते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद फिर दिल करता है कि बंदा तख्त पे चढ़ के जो है ना वो पागल हो जाए, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। क्या करें, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। और ये सलाम जिंदगी का प्यार है कि हमें याद करते हैं। सलाम जिंदगी के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बड़ा
ही खूबसूरत महफिल सजाते हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इनको बड़ा इंजॉय किया और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और सारा शो छोड़ के हम कवालियाँ सुनना शुरू हो गए। बाकी कवाली के अंदर एक अपना मज़ा है और इन कमिंग डेज हमारा प्लान है एक बाकायदा पूरा सेशन करने का अबाउट कवाली और इंशाल्लाह हम उसकी कोशिशों में लगे हुए। लेकिन आज का जो शो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पुरानी फिल्म्स में हम लोग देखते थे कि वो जो दो दोस्त होते थे वो बचपने में अपने बच्चों का रिश्ता तय कर देते थे और बड़े होते होते वो बच्चे जो हैं उनको पता होता था कि जी हमारी शादी किससे होनी है और उसमें बड़ी मज़े की लव स्टोरीज़ भी बनी है, बड़ी मज़े की कहानियाँ भी बनी हैं, ड्रामे भी बने हैं इस तरह के। लेकिन हकीकत में लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि जी रिश्ते किस तरह से होंगे, शादियाँ किस तरह से होंगी हमारे बच्चों की। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त आज भी मौजूद हैं जो समधी बन जाते हैं, जो रिश्तेदार बन जाते हैं और सारी ज़िंदगी उन्होंने साथ में काम किया होता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो फैमिली भी जो है आपस में जोड़ लेते हैं। बहुत सारे घरानों में ये होता है कि दोस्तों का बहुत घर आना जाना होता है, फैमिलीज़ बिल्कुल फैमिलीज़ की तरह होती हैं। तो उन्हीं वक्तों में पता नहीं ये चीज़ कब कोई दुआ ऐसे दिल से होती है जो कि पूरी हो जाती है। वैसे यहाँ कोई यहाँ कुछ ऐसी कोई फैमिलीज़ हैं जिनकी फैमिलीज़ में कोई दोस्तों में जो है वो शादियाँ हुई हों, जो शादीशुदा मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ऐसा कुछ हुआ किसी के दोस्तों में, ख़ानदानों में जो फ्रेंड्स होते हैं आपस में उनकी आपस में कोई शादी हुई हो? या तो सामने सारे कुछ बोल ही नहीं रहे, उनको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, यूँ देख रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कुछ। हाँ बताएं अगर कोई इस तरह की फैमिली में कोई किसी की मंगनी हुई हो, किसी की शादी हुई हो, जो फ्रेंड्स हो इस तरह से। अपनी खाला की बेटी से की, अपने भाई की शादी मंगनी की अभी। अच्छा खाला की बेटी से जी। अच्छा तो घर आना जाना था? हाँ पहले घर आना जाना था लेकिन अब बंद कर दिया क्योंकि मंगनी कर दी ना। जुल्म कर दिया, जुल्म कर दिया आपने, आपने जुल्म कर दिया जी। कोई और फ्रेंड्स में किसी के साथ हुआ? शादी हुई है मेरी खाला खाला के घर में। अच्छा ये तो रिश्तेदारों का सीन चल रहा है। हाँ। मैं दोस्तों का पूछ रहा हूँ, मेरा तो, पूछे मना कर देना जी जी। हाँ मेरी खाला के बेटे के साथ हुई है और यूएसए में रहती है। वैसे रिश्ता कितना बदल जाता है जब अपनों में शादी होती है तो? चेंज तो होता है, बहुत होता है, है ना, सारी खामियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। अजीब सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है ना। 50-50 हो जाता है। 50-50? अच्छा तो कोई आपको ऐसा चेंज नजर आया कि ये पहले नहीं था और अब हो गया ये चेंज जी? लड़के में या लड़की में कुछ इस तरह से कुछ? हाँ हाँ चेंजिंग आई है, है? बल्कि दोनों मियाँ बीवी में भी आ जाती है। आ जाता है पहले कजन्स होते हैं और उसके बाद। अच्छा लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कज़न मैरिजेज होती हैं उसमें खुदा के लिए आप लोग प्लीज़ अपने टेस्ट करवा लिया करें, वरना बहुत सारे बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया का शिकार हो जाते हैं और ये कज़न मैरिजेज में बहुत ज़्यादा होता है। सो कोशिश किया करें कि अगर कज़न में मैरिजेज शादियाँ हो रही हैं तो एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट आप करवा लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये करना है या ये नहीं करना है। लेकिन आज का जो शो है वो दोस्तों के नाम है जी और उनकी फैमिलीज़ के नाम है। ये दोनों दोस्त बहुत पुराने हैं, साथ में काम करते रहे हैं, बहुत अरसा इन लोगों ने स्टेज शेयर किया, टेलीविज़न शेयर किया, बड़ी स्क्रीन शेयर की फिल्म्स, और साथ में काम करते करते अब एक दूसरे की फैमिली जो है उनको उन्होंने अपना लिया है और बड़ी प्यारी दोस्ती है दोनों की। छेड़ते भी बहुत हैं दोनों एक दूसरे को, वो सिलसिला आज भी यहाँ पर रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ रऊफ लाला और शकील सिद्दीकी की, वो दोनों यहाँ पर होंगे लेकिन अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ, तो ये बड़ा मज़ा आने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं
और आपकी मुलाकात करवाते हैं शकील भाई की फैमिली से और राऊ भाई की फैमिली से. विल बी राइट बैक. शकील भाई की जो फैमिली है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है. मैं सबसे पहले तो आप सबको वेलकम करता हूँ. थैंक यू सो मच कि आपने इतने बिजी टाइम में से वक्त निकाला. शकील भाई वाह पक्की बात है, बात तो सही है, है ना. अभी बहुतों से लड़ाई भी होनी है, इतने शो में आया हूँ. लेकिन बहुत शुक्रिया. थैंक यू. शकील भाई यहाँ पे मौजूद है, शकील भाई की फैमिली यहाँ पे मौजूद है. इनके बिल्कुल मेरी सगी बीवी, अकलौती बीवी, और माशाल्लाह से 26 साल हो गए जी शादी को. हमारी शादी को बेटा मेरा माशाल्लाह शरील से देखी, बेटी फजर से देखी, अजान से देखी, फातिमा से देखी, अरमगान से देखी. और ये जो गोद में ये अरमान सिद्दीकी. लोगों के पहले बच्चे अरमान होते, मेरा आखिरी अरमान है. अच्छा आपने याद है आपको नाम सबके माशाल्लाह. अबे मैंने क्या टोकन लगवाया इन पे, इससे याद क्यों नहीं होगा. अगर दो चार आ रहे तो उनके भी याद होते, बच्चे तो अपने. चार बेटे और तीन बेटियां. हाँ मेरे वाली साहब कहते थे बेटा, हम माट बहन भाई थे. अच्छा हाँ. अच्छा पालने वाले अच्छा, मुकाबला वाले से ही रहा. नहीं हारा मैं उनसे. अच्छा. एक बच्चा मेरा कम है. मैंने अब्बा से कम्पिटिशन नहीं किया. वालिद साहब और लोग कहते हैं कि दो बच्चे पढ़ाने में इसमें तकलीफ. मैंने कहा हम पालने वाले कौन है यार, पालनहार तो ऊपर बैठा हुआ है, वही पालेगा. हाँ. क्योंकि अल्लाह पहले अनाज दुनिया में भेजता फिर बच्चा भेजता है, राशन भेजता फिर भेजता ना. लेकिन डिपेंड करता है, अल्लाह ताला ने आपको जितनी हैसियत दी है, जितना सपोर्ट दिया है. हैसियत मेरी नहीं थी इतनी कि मैं सात बच्चे पाल सकता, लेकिन हो सकता है इनके नसीब से ही आ गया हो. बात यह है कि मेरे वाली साहब कहते थे घर में बहन भाई होंगे ना तो खानदान की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ. आपस में खानदान हो जाएंगे, फिर ना फुप्पी के बच्चे चाहिए ना ताया के. लेकिन हमें चाहिए, चचा के बच्चे भी चाहिए. लेकिन जब सात बहन भाई हो जाते हैं ना, अब हम आठ बहन भाई हैं, जब हमारे यहाँ तकरीब होती है तो उनके बच्चे उनके बच्चों के बच्चे, तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बड़ी फौज है. काफ़ी बड़ी फैमिली हो जाती है. दुनिया में जितने मुसलमान हो ज़्यादा अच्छा है. ये अच्छी बात है. सो शकील भाई पहली साहबजादी की शादी की माशाल्लाह, और खैर आफियत से सारा सिलसिला. अल्लाह ने ऐसा कराया फैसल, लगता है कि मुझे तो कुछ पता भी नहीं लगा. अच्छा. हाँ ना अखराजात का ना किसी चीज़ का, एक गैब से मदद होती रही है, अल्लाह ही मदद करता है. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, डोली और जनाजे कभी नहीं रुकते, उठते हैं. वाह. आदमी भूखा मर जाता, फाके से मर जाता है, लेकिन उसकी भी तो कफन दफन होता ही ना यार. वो रुकता तो नहीं है घर पे, उसको भी लोग ले जाते हैं ना. फाके से मर गया है, मरना भी आसान नहीं है अब पाके. बेटी का बाप होते हुए जी कैसा एहसास हुआ जब बेटी रुखसत हो रही थी घर से? मैं तुम्हें सच बताऊं, जैसे मैं पता रऊफ लाला के बेटे से शादी हुई है. हाँ. तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने घर से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहा हूँ. अच्छा. हाँ क्योंकि लाला भी मेरी तरह का है, 35 साल का दोस्त है मेरा वो माशाल्लाह, और एक जैसी रूटीन है हमारे घर की. बिल्कुल. तो इसलिए मुझे नहीं पता लगा कि मेरी बच्ची गैर में कहीं जा रही है, मुझे कोई खौफ हो कुछ हो, वो सब तो नहीं था बिल्कुल भी. लेकिन ये है कि बच्ची जब जाती है तो दुख तो होता है. तो हम भी तो किसी के लाए थे, तो दुख तो नहीं हुआ. दुख हुआ लेकिन वो वाला दुख नहीं कि क्या होगा बच्ची है हमारी और पता नहीं कैसे लोग होंगे, तो वो उससे मैं बिल्कुल बेफिक्र था. सच बता रहा हूँ, ये बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ. अभी तो दो और हैं माशाल्लाह से. हाँ. और हम आपस में बातें करते हैं, मैसेज बहुत देते हैं ना एक दूसरे को कि भाई आपस में करना चाहिए. हम खुद अमल नहीं करते हैं. हाँ. क्योंकि तबलीग करने वाले बा अमल नहीं है, इसलिए तो तबलीग कमज़ोर पड़ गई है. वाह वाह.
तो हमने तबलीग की है तो हमने उस पर अमल भी किया है, आपस में रिश्तेदारियां भी की। आपकी मसरूफियत की वजह से भाभी की कितनी कंट्रीब्यूशन है बच्चों सारा इसी का है, सारा क्रेडिट इसी का है। अच्छा, घर से लेके बच्चों से लेके, सच बता रहा हूँ, ये मतलब दिल से बोल रहा हूँ, मैं तो 26 साल में शायद 15 साल बाहर रहूंगा, मजाक से हट के। ट्रू, है ना, ऐसा ही होता ना आर्टिस्टों का। तुम भी इसमें हो, तुम्हें भी पता होगा भाभी कितना गुस्सा करती हुई कभी कभी, फिर ले भी जाना पड़ता मजबूरन, नहीं दिल करते हुए ले आना पड़ता है। मतलब है भाभी आप कितना गई हैं वैसे इनके साथ? माइक, माइक देना। गई हूं, बहुत कम गई। अच्छा जी, मतलब है मेन मेन जगह चली गई, इंडिया, ओमान, मस्कत, दुबई। एक दफा तो तुम्हारे साथ भी थे, हम लोग साथ थे। हाँ, तुम्हारी इस वक्त तुम सिंगल थे। अच्छा, तब की बात। हाँ, तब की बात है। इसलिए मैं तुम्हें क्लियर कर दिया कि आप कब चले गए थे, भाभी पूछेगी मुझे छोड़ के। सलमान खान के शो में? हाँ हाँ, वो बीइंग ह्यूमन। हाँ, वो हम जो 5 दिन के लिए साथ थे। हाँ, तो उसमें हम साथ ही थे, तुम्हारी भाभी साथ थी। ठीक है। हाँ, तो मतलब है कि इसकी भी मतलब मजबूरी होती है, मेरी भी, कि मतलब अगर बात है यार, बच्चों का स्कूल है ये वो सारा। आज माशाल्लाह से ये मीडिया पढ़ रहा है। अच्छा, 2 साल पढ़ लिया, इसमें 2 साल और रह गए इसके, माशाल्लाह। ये भी यही आना चाहता है, आना चाहिए। हाँ, मैंने कहा भाई जो तुम्हारे अंदर है वही निकाल के ले आओ, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कहूँगा पायलट बनो, इंजीनियर बनो, जो तुमको करना है करो, ईमानदारी से करो, कहीं डाका भी डालने जाओ ना तो ईमानदारी से डालो। ईमानदारी जरूरी है दुनिया में, सबसे जो है ना असल महकमा, सही महकमा डाकुओं का है। कम से कम अपने नाम की लाश तो रखते हैं, डाकू है काम डाका डालना, डाका डालते हैं। और महकमों की तरह तो नहीं ना, पुलिस का काम है बचाना, दूसरों को पकड़ लें। आज यही होगा, आप लोग तालियां बजा बजा के थक जाएंगे। हाँ, आप लोगों को अपना हाथ घर पर रख के आना चाहिए आज। बेटे से कुछ पूछना तो पूछ लो, इसे तुमसे मिलने का शौक भी था, मिला भी था तुमसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या करना चाहते इससे पूछो आज मेरे सामने। तो क्या करना है भाई अभी? मुझे तंग करने के अलावा और क्या करना है बता। तो बहन जो है वो छोटी है तुमसे या बड़ी है? बड़ी है, 11 महीने बड़ी है। अच्छा अच्छा, सिर्फ 11 महीने का फर्क। हाँ यार, बस क्या करें, अल्लाह की देन है। मैं जल्दी में था। कह रहा मैं जल्दी में था। आप जल्दी में थे, तो अब तो नहीं हो जल्दी? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से बारात आ चुकी है, लड़के वाले आ गए। भगा बे, रऊफ लाला है यार। अच्छा, वो भी आया है? हाँ। अच्छा, बुला ले, आइए जरा उनका इस्तकबाल करने चलते हैं, आइए। मैं लेने जाऊं क्या? हाँ चलो भाई, आ जाओ भाई। आओ भाई, घड़ियाल ने ओ निकाल ली, मेरा पिया घर आया, लेनी मेरा पिया घर आया, लालनी मेरा पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हूं आवई कर दा निहाल ली, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी ओ मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया, घर आया सानू अल्लाह मिलाया, उन्हें आप ही घर दा निहाल नी, ओ मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, होया फसले कमाल निजी, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, हो लाली मेरा पिया घर आया, हो लाली।
ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा लाला जी भाई। बादलों में देखो कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए, मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए, मुस्कुराए मन मेरा से तू मांग लाऊं, हूं बहू मांग लाऊं, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं ऐसा लग रहा था जैसे छोटी सी कोई डॉल है जो कि हमारे सामने यहाँ घूम रही है, और बड़ी प्यारी बेबी है ये। लाला पहले फैमिली का इंट्रोडक्शन तो करवा दें। ये करवा लेंगे तो सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ उन लोगों को, सब जानते हैं। मेरे पोती 6 साल बाद हुई, जरा कोई गुजराती धुन बजाना, मम रासले करना रासले एक मिनट। अगर ये चल ही रहा है तो जरा बेबी की शक्ल दिखाएं, सिर्फ जरा क्लोज करें थोड़ा। और दादू पान कैसे खाते हैं? दादू पान कैसे खाते हैं बताओ। अभी तो बताया खुदाई ऐसे। थूकते कैसे? फेंकते कैसे? राव भाई की, राव भाई आप मिलवा दें आप सबसे। मैं तारुफ करवा देता हूँ, ये आपकी भाभी मेरी बीवी। अच्छा माशाल्लाह। ये मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह अब्दुल्ला लाला, और ये इनकी वाइफ है मेविश, वो मेरी बेटी सिद्रा, ये मेरा बेटा अमान लाला, और ये मेरा बेटा दूल्हा जो असद लाला, असद लाला असद रऊफ। और एक मेरी बेटी और है रुखसार, जो इनकी दुल्हन है वो अब आने वाली है। बिल्कुल हाँ, तो अब माशाल्लाह से दो बेटियों का बाप हो गया माशाल्लाह। जैसे पिछले शो में शकील ने कहा था कि मैं बेटी का बाप हूँ, तो मैंने कहा था यार आज से तू नहीं, आज से मैं बाप हूँ, क्योंकि मेरे आ जाएगी तो वह फिर मेरी बेटी। वो जाके टीवी पे प्रोग्राम देख रही है भाभी। वैसे नॉर्मली आप पहली दफा आई हैं किसी शो पे? नहीं, एक दफा मैं शाइस्ता के शो में गई थी। अच्छा। और ये सेकंड टाइम आपकी आ रही। अरे वाह, जाती नहीं है भाभी ज़्यादा। ये कहीं नहीं निकलती। अच्छा, और लाला की जो पोती है वो बस घूमे जा रही है और वो अपना एंजॉय कर रही है। उसे घूमने दो, हम अपना शो करते रहेंगे, ये माशाल्लाह घूमती रहेगी। बच्चे हैं संभालने के लिए। मेरे ख्याल से हमारी जो बहन है छोटी, उसको यहाँ बुलाते हैं, वो दूल्हा अकेला बोर हो जाएगा यार। हाँ यार, वैसे ही माशाल्लाह अकेला है, खुश खुश है, अभी आप बराबर में आ जाएगी फिर ही मुंह देखो। नहीं नहीं ना, दूल्हा दूल्हा देख बड़ा खुश होते। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबला वे, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबला, असा उठ जाना, असा उठ जाना वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबला वे, साडा चिड़िया दा चंबा।
बख्श देनी माए बत्तियां तारा जांदी वारी सलाम गुजारा दर्द सुने मेरे दर्द सुने अजी कौन बेमां मेरे दर्द सुने अजी कौन बेमां मैं उठ जाना असा उठ जाना वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुलानी वे बाबुला वे ले जाए ना लोग मुझको मेरी जान पे लगाए कैसा रोग बाबुला वे ले जाए ना लोग मुझको मेरी जान पे लगाए कैसा रोग बाबुला वे ले जाए ना लोग मुझको मैंने बाब क्या क्या सोचा मेरा जीवन तो राजा था क्यों गैरों से बांधा संजोग बाबुला वे ले जाए ना लोग मुझको मेरी जान पे लगाया कैसा रोग बाबुला वे ले जाए ना लोग मुझको मेरी जान को लगाए कैसा रोग बाबुला वे ले जाए ना लोग मुझको वेलकम करते हैं आपको और आप दोनों को माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं दोनों और खुदा के लिए ये मेरे कान में मसला हल करें वरना मुझे उतारना पड़ेगा क्या हो गया अतर का फोया तंग कर रहा है अरे बहुत तंग कर रहा है यार वो छे छे सात सात आवाजें आ रही हैं अंदर वहाँ भी देख लो कोई दूसरी बारात तो नहीं पहुँच गई तौफीक का पता नहीं है ना तौफीक बोले एक बारात यहाँ भी चला दो भाई लाला ये कब तय हुआ ये सिलसिला ये अजीब स्टोरी है मोबाइल में लिखा हुआ नहीं नहीं अबे लिखा हुआ नहीं है अच्छा हम बोलते तो लोग लिख लेते हैं हाँ ये तो है बात अच्छा ये है। पहले एक बात क्लियर कर दो अभी तुम्हारी भाभी ने मुझे टोका हल्के से मैंने बोला ना कि मेरी एक बेटी है सिद्रा और दूसरी मेरी आ रही है मेरी ये तीसरी बेटी भी है उसने थोड़ा मुंह बना लिया तीन बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह से नहीं नहीं असल में हुआ ये है लाला ने दो बेटियां ठीक बोली हैं ये और ये है बेटियां वो तो प्रायधन है वो उनकी बेटी अब हो जाएगी हाँ, तो इस हिसाब से बोला इसने लेकिन इस वक्त तो मेरी तीन इस वक्त तीन है और अल्लाह वो चौथी भी तैयार होगी वो तो हो गई है तो मेरी जान है पता तो ये मैं रिश्ते की बातचीत चल रही थी तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे तो इसके कान में भनक पड़ी के रिश्ते आ रहे हैं ना तो बीच का मेरा मतलब साड़ू वो उससे इसने बात की सुहेल से अच्छा कि यार ऐसा ऐसा मसला है तो उसने मुझसे कहा मैंने कहा भाई यहाँ पे बेलियाँ और यहाँ पत्थर आते हैं लड़की तो है जो रिश्ते आते हैं मैंने कहा वो दोस्त ले आए फिर जब ले आए तो हमने इन दो एक दूसरे को दिखा दिया अच्छा मतलब ये होता ना कि मतलब है कि पूछा नहीं बेटी से पूछा नहीं ये बुरी बात होती है मैंने बेटी की मर्जी मालूम की उसने कहा हाँ ये ठीक है तो मैंने यस कर दिया बिस्मिल्लाह कर दिया बेटी तो रहना बेटी ने है ना और ये हमारे मजहब इस्लाम में भी है कि ये अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब रिश्तेदारों में अजीजों में मैं समझता हूँ जिसके साथ ज्यादा वक्त आपका गुजरता है जो आपका साथी होते हैं जो जिनके साथ आप काम करते हैं वो रिश्तेदारों से ज्यादा अजीज होते हैं शकील 38-35 साल से मेरी इसकी दोस्ती है हम बचपन के दोस्त हैं मतलब नहीं समझना हम 80-80 के हैं बचपन के ये तो फिर भी 80 का है मेरे को कम समझ लेना आपने क्योंकि मेरी बहनें जितनी भी थीं उनकी शादियां शकील के सामने हुई उनकी बहनों की मेरे सामने हुई एक दूसरे को जानते थे पहचानते थे तो जाहिर है जब इंडिया में बैठे बैठे एक रात को हम लोग जिक्र कर रहे थे ऐसे बैठे बैठे
तो मैं ये इसने कहा कि यार मैं रुखसार के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी असद के लिए। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इससे बात करूं कि यार बड़ा अजीब सा लगता है ना बंदे को कि यार मैं कैसे बोलूं। तो बीच में फिर सुहेल अंसारी है हमारे, इनके साडू है हमारा, बहुत अच्छा बच्चा है वो। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार बात कर शकील को, कहीं ये नाराज ना हो जाए। तो इससे बात की, इसने चाय पे बुलाया, उसी वक्त तय हो गया। मैंने 1000 रुपये निकाले, मिठाई मंगाई, 500 की ये खा गया, 500 की सबने खाई। उसको पता मैं क्या कहता दोस्तों के बारे में, दुनिया में सारे रिश्ते बनाए उतरते हैं, एक दोस्ती का रिश्ता जो दुनिया में आदमी आके बनाता है। तो आप लोगों की जो बेगमात है उनकी भी आपस में दोस्त, मना कर दो ना, बताओ मैं शो पे हूं। यार एक मिनट, इसको मैं क्या ऑन ईयर ले लूं क्या? कौन है बदतमीज? हेलो हेलो, पैसे मांग रहा है वो। हेलो हाँ कौन? देख ले ऐसे चुनाव, बाद में माफिया मांगता रहे, वह गलती हो गई थी जो मैदान में गलती हो गई थी। इसका एक तरीका है, बंद कर दो। बेहतरीन, फोन बंद कर दो शकील, आता बंद करने मैं कर दूं। आ जा। ये सही कह रहा है कि हम, मेरी वाइफ और शकील की वाइफ की इतनी मुलाकात नहीं थी। अच्छा, ये बस इस रिश्ते के बाद, इस बंधन के बाद, कभी भाभी को लेके ही नहीं आया मेरे घर पे। नहीं लाया, नहीं नहीं भाभी को एक या दो दफा। यार ये इतना चालाक आदमी है फैसल, इस आदमी की मैं चालाकियां बताऊं। भाभी कहती थी मुझे लाहौर घूमने जाना, ये शख्स कहता था तुम नहीं जा सकती, तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बना हुआ। इतना चालाक आदमी है। ये होता है सीधी सादी लड़की से शादी करने का फायदा। तो फिर ये हुआ, आजकल तो चलाको मासी है ना, कहता पासपोर्ट नहीं बनाया, 3 बनावा ये लो, वो तो निकाल के रख देती है। तो भाभी कैसी दोस्ती हुई आपकी और हमारी इन भाभी की? माइक माइक, हाँ माइक माइक दो उनको, माइक देना। हाँ शादी में जाते थे, मिलते थे हम लोग, तो अच्छी दोस्ती थी मेरी, जान पहचान भी अच्छी थी दोनों की। अच्छा, तो आप समधने बन के कैसा लग रहा है आप लोगों? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो ये बहने हैं, समधने बहने हैं जी जी। अब शेयर करते हैं आप लोग चीजें आपस में। अच्छा, तो माशाल्लाह दो दो बहुएं घर में आ गई। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह दोनों मेरी बेटियां हैं और ये मेरी बड़ी बहू, बहुत माशाल्लाह बहुत ही प्यारी माशाल्लाह। ये मैं बताऊँ, मैं ये नहीं कि मेरी बेटी उनके घर गई है तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वो लड़की वाकई बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये जो बहू है ना लाला की, बड़ी बहू माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह ऐसी बहू सबको दे। और मुझे आपकी जो पोती है ना, उन्होंने ड्यूटी पकड़ी है सबको बिस्किट खिलाने की, ये अच्छा इशारा भी करती है। एक मिनट, शो का शो, न्याज भी बट रही है, शो भी चल रहा है, क्या कहिए। तो ये माइक पकड़े आप, कुछ मुझसे कहेंगे, कुछ पूछना है? मैं एंजॉय कर रहा हूँ जरा बच्ची का, पोती को। हाँ वो तो घूमती रहेगी माशाल्लाह, घर पे ना गिरती फिरती बहुत है। पांच साल शादी के, 5 साल बाद हुई है, बड़ी मन्नतों की दुआओं की, खुदा की कसम, बड़ा मैं इसका ध्यान रखता हूँ, और वक्त इसके हिस्से का भी खाता हूँ कि मोटी हो जाए, होती नहीं है। इस बात पे तो नहीं जाते तो अच्छा है। कहाँ पे? के खाने पीने पे। हाँ ये तो दुनिया में अनाज खत्म करने उतरा है एक मिशन लेके। फिर वो फर्स्ट एपिसोड वाली बात की, नहीं तो खाता तो माशाल्लाह कितना, लोग चावल खाते प्लेट में या आंगन में पसार के मशक से दाल डाल के खाता है। ये दोनों नहीं बात आ सकते। नहीं हमारी दोस्ती अपनी जगह पे, बेस्ती 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 हम खेलते रहेंगे सारी जिंदगी। तो ये शादी पे भी हुआ ये कुछ ऐसा सिलसिला? हल्का फुल्का झगड़ा भी हुआ था। झगड़ा हुआ? वीडियो में तुम वो लगा के देखना फैसल, अपना फंक्शन वाला अगर सीन हो तो। क्या झगड़ा क्या हुआ? इंडिया का शो नहीं आता एक CID, उसमें जो मुर्दों को चेक करने वाला आदमी होता है, मूंछ वाला, ऐसे मुंह बना के घूम रहा था पूरा। अरे शकील एंजॉय कर, तेरे तेरा तेरी बेटी। अच्छा फैसल, जब शादी होती है और एक आदमी पे जिम्मेदारी हो, बेटी की शादी, उसकी क्या हालत होती होगी? यार तो बेटे की, मैं दुनिया में अपनी शादी में मैंने सिर्फ एक काम किया था, कबूले 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 बोला था बस, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मुझे पता लगा शादी कैसे होती है। घर की पहली थी ना? हाँ नहीं, मुझे अकेले ही करना पड़ा था ना सब, सारी मतलब A to Z। ये नहीं कि बीच में मैं किसी को शामिल करूँ, तुम ये लाओ, नहीं भाई, मुझे अगर हल्दी भी लाना है ना इसके लिए तो मैं खुद ही जाके लाऊंगा। तो ये जब शादी होगी ना बेटी की, अभी तो बेटे की ना इसे दोनों, जब बेटी की होगी इसको पता लगेगा। और खुदा की कसम मैंने कहा था भाभी आपसे रुखसती के वक्त
कोई नहीं रोएगा, मैंने कहा बहुत खर्चा हुआ है मेकअप पे आप लोगों का, कोई नहीं रोएगा। ये तो है, हाँ मैंने बोला था भाभी से पूछो, मैंने कहा कोई नहीं रोएगा। मेरा तो ये है कहना, ये शादी में मेरा ख्याल है पार्लर खोलूंगा मैं, बहुत मिलता है। मेरी एक थिंकिंग है फैसल, पता है क्या एक सोच है कि बेटी एक है ना मेरी, तीन बेटे एक बेटी, लेकिन जब इसको रुखसत करूंगा ना उससे दो दिन पहले रो लूंगा, लेकिन रुखसत करे ना जब भी खुश होकर करे, ताकि खुशी खुशी जाए। दादू रो रहे? नहीं नहीं, ये तो रोई थी फिर भी रोई थी। दादू रो रहे? मेरी बीवी तो फिर भी रोई थी। अच्छा, और वो आगे निकल ही जाता, वो तो निकल ही जाता। दादू रो रहे, पढ़ दादू ने मारा बेटा, पढ़ दादू ने। वो अपना एंजॉय कर रही है। ये इसको ऐसे ही रखना है, इसका दुपट्टा हटाऊं थोड़ा सा, दूल्हे मियां का भाई तो मैं कह रहा हूं, आ जाओ। मैं तो कहता हूं ये लाल वाला तो हटा ही दो ना बस, वो अच्छा ड्रेस है। चलो अब शादी हो गई, कैसा लग रहा है दूल्हे मियां शादी के बाद, लाइफ में चेंज आने के बाद? माशाल्लाह अच्छी हो गई है लाइफ, पहले से काफी बेहतर है। ये कि पार्टनर आने के बाद काफी सारी चेंजिंग आ जाती है। अच्छा, शादी से पहले कुछ अपनी जो आपके शौक थे, आपकी चीजें थी, वो शेयर कर ली थी? वो इसको शौक ही नहीं था, मजे की बात ये इसका रिकॉर्ड है, पता है? वो मतलब ऐसे थे कि ज्यादा कोई भी पार्टनर को बुरे ना लगे। अच्छा, तो ये के अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई हमारी माशाल्लाह से, अच्छी चल रही है। उमने नहीं निकले तुम लोग अभी? अब जाएंगे, इंशाल्लाह उमरा करना है। अच्छा जी, माशाल्लाह अभी उमरा पे जाएंगे पहले। अच्छा, वहाँ से फिर जाएंगे घूमने। तो बेगम ने घर में कुछ खीर वीर पका ली? अभी नहीं पकाई, इंशाल्लाह कल। कल है? अच्छा, आपको दावत है हमारी तरफ से। फिर नहीं आई हो? कहाँ जा रहा भाभी, चेक करो, अपने घर नहीं आ रहा है ये। शो करो, उसके बाद शूट करो, रात को घर पहुंचो तो बिल्कुल। तो जाता अपने घर है ना? हाँ भाई, हाँ, तो ये क्यों कर रहा, अपने घर मुश्किल से जा रहा हूँ, भाभी सुन रही है। मैं जाता हूँ, जाके सो जाता हूँ, और क्या करना है। नहीं, बात ये है कि इसके तुम बोलो शौक, इसका इसके जिंदगी में एक दोस्त है, मजे की बात बताऊँ। अच्छा, एक ही है, और ये इसका कोई रिकॉर्ड भी है। लाला बता रहा था कि कुछ दिनों पहले जो है ना, ये जाहिर फ्लैट पर रहता ना ऊपर, तो कोई काम नहीं था, तो दो तीन महीने तक उतरा ही नहीं फ्लैट से। ऐसे ही था कुछ है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लाला ने बताया। हाँ नहीं, सच्ची बात, ये फैक्ट बताया। ये आज के दौर में आज के लड़के, मैं कहता हूँ अल्लाह का करम है, मेरे मालिक का शुक्र है कि मेरे बच्चे बहुत नेक है और साले। औलाद नेक होना तो सबसे बड़ी कमाई यही होती है। अब किससे बात करेंगे, ये तो बच्चों से लगे हुए। आप बात करें, मैं सुन रहा हूँ। तो किससे करूँ मैं, बता दो। इसी को बुला लेता, हमें क्यों बुलाया? हेलो, सबसे स्पेशल गेस्ट है ये, ये शो कर लेती सारा है ना, है ना। दादू पान कैसे खाते हैं? शाबाश, उतना प्यारा मुंह बना दी। शादी पे इसने किया ना, शादी पे रासड़ा किया, रासड़ा करके दिखाओ। करती रहेगी। अब्दुल्ला की शादी हुई थी ना फैसल, तो मेरे पहले बेटे की शादी हुई, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा शादी में कार्ड कितने दूं आपको? इसने बोला पापा मैं, मुझे 250, मेरे दोस्त हैं 250 250 कार्ड, इसकी प्यार अच्छी है। उससे पूछा, उसने बोला 15 आदमी, मैंने 15 कार्ड दिए इसको। मैंने कहा बेटा आपको कार्ड कितने दूं? कह रहा है एक। फिर कह रहा है एक भी नहीं देना, फोन पे बता दूंगा। इसका कोई नहीं है, इसको मतलब अगर सदर में छोड़ दो ना, ये दुबई समझेगा कि ओह दुबई आ गया हूं मैं यहां पे। यार इतने इल्जाम लग रहे हैं यार, बहुत हल्का लिया हुआ तुम्हें। हल्का नहीं, ये सीधा मेरे बच्चे पर से आया हूं, ऐसा लग रहा है शिकारपुर से आया हूं मैं। नहीं सीधे, नहीं अकल बहुत है। हां, ऐसे कंप्यूटर मेमन का, मेमन का लड़का है। कंप्यूटर के मामले में पूछ लो कहीं भी कुछ भी, 6 महीने बाद एक चीज दो, पूछ लो ब्रेक कितनी देर में आने वाला है, अभी बता देगा एक मिनट में। 6 महीने पहले कोई चीज दो, और 6 महीने बाद मांगो वैसी नहीं मिलेगी, कंजूस बहुत है यार, दूल्हे को कंफ्यूज कर दिया। नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी चीजें हैं जो है ना, पालतू खर्च नहीं है आज के दौर में, ऐसे मासूम लड़के काम नहीं। अच्छा है, मतलब नहीं है, मिलते भाई दूसरा उधर भी है, तीन तीन ठेला लेके घूम रहे हो। अल्लाह ताला ने फरमाया जैसी आप आपने अपने माँ बाप के साथ किया है ना, आपकी औलाद आपके साथ वैसा करेगी। हम सही रहे ना तो अल्लाह ने हमारी औलाद सही दी। जैसे कहते हैं ना कि नेक आदमी के लिए, कुरान शरीफ में भी है कि नेक आदमी के लिए नेक औरतें, तो नेक बाप के लिए नेक औलाद है। माशाल्लाह, ये अल्लाह का करम है मालिक। ब्रेक ले लूं हम? ले लो भाई, तुम घर जाओ, हम लोग कर लेंगे शो। आप ब्रेक किस में बैठा हुआ है? मैं बिस्कुट ले लूं। ब्रेक हम ले, इंटरव्यू हम खुद ही दिए जा रहे हैं। इसके हाथ का पैसा हमें देना, मैं ब्रेक लेता हूँ।
मिलते हैं खाती नजर आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैसे अपनी छप बनाई के पी के पास गई जो तिलक सब झील रे मोसे नैना मिला गे जब तिलक सब झील रे मोसे नैना मिला गे जब तिलक सब झील रे मोसे नैना मिला गे और लाला भाई और शकील भाई दोनों आ जाए और जाइए ये नैना मिला के सैना चला के मोसे सैना के मोसे अघम कह दी रे मोसे नैना मिला के बात अघम कह दी रे मोसे नैना मिला के हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया जी गोरी गोरी भैया वाली हरी गोरी भैया पकर हर दी रे मोसे नैना मिला के भैया पकर हर दी रे मोसे नैना मिला के भैया पकर हर दी। और ये शेर फैसल भाई की नजर करूंगा कहां पर है आप तो साजन बने मन मोहन साजन बने मन मोहन मन मोहन मोहे बेदम कर दी नैना मिला के मोहे बेदम कर दी मेरे मोसे नैना मिला के मोहे बेदम कर दी मेरे मोसे नैना मिला के उर्फ़
भट्टी का ते मो भट्टी का मदेवा पिला के मैं भट्टी का मदेवा पिला के मोहे 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 ते मो भट्टी का ते मो भट्टी का मदेवा पिला के मतवारी पिया मतवारी सोना मतवारी कर दी मेरे मोसे नैना मिला के मतवारी कर दी मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छी सारियों में मेरे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छी नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला